नमस्ते नमस्ते सर। भैया। भैया हाँ नमस्ते विनीता दीदी जी। जी जी दीदी सर का प्रश्न सुना जी। आपने? जी हाँ, सुना मैंने, मैं सुन ये रहा तो था आप पूरा आपका। कर दीजिए, है ना। जी तो दीदी, चर्चा जो आज की हम लोग करने वाले हैं ना, जी इस सत्र में और अगले सत्र में, इन्हीं मुद्दों पे करने वाले हैं। बट मैं जी अभी सर। उत्तर ना देते हुए बल्कि उसमें एक रेफरेंस बोलूंगा कि जी हम इन बातों को सुनने के बाद ना, जो भी बातें हम सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयोग करना चाहते हैं, है ना, इसका जी अपने जीने के सभी आयाम में। तो एक प्रयोग का आयाम तो मैं खुद हूँ, जी दूसरा प्रयोग का आयाम मेरे फैमिली के लोग हैं, जी है ना, तीसरा आयाम देखेंगे तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जी चौथा आयाम देखेंगे तो हमारा कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है ना, जी पांचवा डायरेक्शन देखेंगे तो अन्य बाहर के लोग हैं। जी तो अगर हम कोई भी प्रयोग को शुरू करें तो किधर से शुरू करें? स्वयं से करेंगे सर पहले। जी, तो पहले अपने पे करें, फिर जी परिवार के जिन लोगों के साथ कंफर्टेबिलिटी है उनके साथ, फिर परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ थोड़ी कंफर्टेबिलिटी कम होगी उनके साथ, है ना, जी फिर बाहर निकलेंगे तो क्लोज फ्रेंड्स के साथ, फिर बाहर निकलेंगे तो कार्यस्थल पे भी, है ना। जी अगर इन सभी जगहों पे आप प्रयोग शुरू कर देंगे ना, तो जी कई बार बहुत कठिनाई हो जाती जी हाँ है ना। तो एक तो हम सभी के लिए इस बात को प्रस्तावित करेंगे कि हम बहुत सारे जब कॉन्सेप्ट्स को खास तौर से सुनते हैं तो उसका जांच परख प्रयोग का एक क्रम बना लें, जो अपने जी से जुड़ा हुआ है उसको तुरंत शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे जी परिवार में, फिर क्लोज फ्रेंड्स में, फिर ऑफिस और फिर समाज के अन्य लोगों के साथ। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम्स को कम समय में हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, सर एक बात तो ये कहूंगा। और फिर आगे चल के मैं दूसरी बात भी कहूंगा, आपके प्रश्न का एक भाग और है जिसको मैं अभी एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, कि कई ठीक है बार सर। क्या होता है ना कि आप सामने वाले को सही तरीके से, सही विधि से सब कुछ उसको प्रयास कर रहे हैं, है ना, जी फिर भी वो इग्नोर करता है। जी ये समस्या है बेसिकली, आप कहना चाह रही थी जो जी बेसिकली, सर जी तो क्या करें, है ना। तो आज मैं अभी चर्चा करूंगा ना, तो दो जी शब्द का प्रयोग करूंगा, चाहना और योग्यता, जी है ना। तो अगर हम किसी के बारे ये देख लिए कि भाई ये सही चाहता है ना, जी लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर उसकी योग्यता कम है, तो जी हम कार्यक्रम तो उसके योग्यता के आधार पे ही बनाएंगे, जी है ना। और किसी की योग्यता ज्यादा है तो कार्यक्रम थोड़ा उसके साथ दूसरे तरह का बनाएंगे, है जी ना। तो जैसे बच्चे हैं, घर में कोई बच्चा है ना, तवा जल रहा है, उस पे हाथ रखने जा रहा है, तो क्या हम उसको समझाएंगे खड़े होके दूर से, और नहीं समझ रहा है तो छोड़ देंगे कि हाथ रखे, या कुछ करेंगे? नहीं सर, उसे हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे या पकड़ेंगे उसे, और जोर से, हाँ और दबाव उस भी प्रक्रिया में डालेंगे। हो सकता है कि बच्चा छटपटाए भी, जी लेकिन आप देखेंगे तो आप में क्या उस क्षण बच्चे के लिए विरोध का भाव है कि केयर का भाव है। केयर का भाव है दूसरे को लग सकता है कि बच्चा इतना व्याकुल हो रहा है, आपके कारण हो रहा जी है ना, लेकिन आप इस प्रक्रिया को देखेंगे तो आप में तो उसके केयर का भाव है, आप तो उसके शुभ के लिए, उसके विकास के लिए कोई कार्यक्रम बना रही जी है ना। तो ये बात अगर ध्यान में रहती है तो हम बहुत सारे लोग जो एकदम से अपने थोड़ा वो कर लिए हैं उनको हिला डुला भी देते हैं समय समय पर, जी हाँ लेकिन भाव केयर का बना रहे, तो सर। धीरे धीरे चीजें सेटल भी होती हैं। जी सर। सर मैं आपकी बात को बीच में रोक के बोल रही हूँ सर। ये तो ठीक है सर कि हम सामने वाले के लिए भाव अच्छा रख के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण जो मानसिक दबाव बनता है और मन में जो छटपटाहट होती है उसके कारण वही तो वो स्वनियंत्रण जो कई बार कारण है खो ना, बैठते हैं। वो कारण दूसरे के कारण नहीं बन रहा है, वो इसलिए जी बन रहा है कि हम अपने विचार पे जो काम करना था ना, उससे पहले जी स्वयं पे, आई पे, जो मैंने लिखा था ना अभी, जी जो काम हमको अपने पे करना था दूसरों पे करने से पहले, जी वो काम नहीं हुआ, इस कारण दबाव बन रहा है। सर मैं इसे थोड़ा और खुल हाँ, के मतलब वही चाहूंगी कि आप बताएं तो इसे। आप ठीक से देखेंगे ना, तो जब जी अभी आज की चर्चा अभी हो जाए तो फिर लौट के इस प्रश्न को कल पूछिएगा, तो मैं इसको और ठीक से विस्तारित करूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो हम लोग थोड़ी चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर लोगों के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग परिवार व्यवस्था पे चर्चा शुरू करेंगे, कल तक जितनी बात हो गई है उसको ध्यान में रखते हुए। तो
कल तक हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो निरंतर सुख और समृद्धि के बारे में बात किया था। समृद्धि को अगर देखें तो समृद्धि का मतलब है आवश्यकता की पहचान, जो हमारी आवश्यकता है उसको पहचानना और उसकी पूर्ति करना, इन दोनों के योगफल में समृद्धि होती है। कई बार हमको एक लाइन मन में बैठ जाती है कि जब तक संतोष नहीं होगा तब तक समृद्धि कैसे होगा, और संतोष का मतलब ये मान लेते हैं कि भाई जितना है उतने में ही चलाओ, है ना। संतोष का मतलब ये नहीं है। संतोष का मतलब ये है कि हमको ये स्पष्ट हो गया कि हमारी आवश्यकता कितनी है, हमको ये भी स्पष्ट हो गया कि वो हम इस विधि से पूरी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमको ये भी स्पष्ट हो गया कि प्रकृति में उसका पूरा होने का प्राविधान पहले से है। मैं जितना भोजन करता हूँ उससे अधिक उत्पादन प्रकृति कर देती है, मैं जितना कपड़ा पहनता हूं उससे अधिक उत्पादन प्रकृति कर देती है। ये तीन बातें जो हमको स्पष्ट होती है ना, उससे संतोष आता है, अर्थात समृद्धि की कंटिन्यूटी का विश्वास बनता है। क्या क्या? हमने आवश्यकता को पहचान लिया, उसकी पूर्ति का विधि समझ लिया और करने लग गए, हमको स्पष्ट हो गया कि हम कर पा रहे हैं आगे भी कर पाएंगे इससे, और प्रकृति में भी उसका पूरा होने की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। ये तीन बातें जो हमको स्पष्ट हुआ, ये संतोष का मतलब है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हमको चार रोटी की भूख है अब दो ही रोटी है चलो दो ही रोटी से काम चलाते हैं, ये तो कंप्रोमाइज है, मजबूरी है। संतोष का मतलब ये है कि हमको तीन बातें स्पष्ट हो गई, कि हमको ये स्पष्ट हो गया मेरी आवश्यकता इतनी है, मैं इस हुनर से उसको पूरा कर रहा हूं आगे भी कर पाऊंगा, प्रकृति में पहले से उसकी व्यवस्था बनी हुई है कि जितना मेरे को खाद्यान्न चाहिए उससे अधिक उत्पादन होता है ना, जितने कपड़े चाहिए उससे अधिक उत्पादन होता है, जितना घर के लिए सामग्री चाहिए प्रकृति में उससे अधिक उत्पादन होता है। ये तीन बातें जब एक साथ मुझे स्पष्ट होती हैं, तो इसी को कहा संतोष, अर्थात हमारे समृद्धि की निरंतरता। पर अब हमको कोई संदेश नहीं रहा, संदेह नहीं रहा, अभी भी है, आगे भी होगी, होती रहेगी। ये जो स्पष्टता निश्चितता हम में आ गई, इसी को कहा संतोष। या इसको संतोष कहें कि भाई भूख चार रोटी की है दो है चलो दो में ही काम चला लेते हैं, वो आप तय कर लें। मेरे हिसाब से तो वो तीन चीज जो मैंने कही, मैं उसको संतोष कह रहा हूं। ये तो कंप्रोमाइज है, मजबूरी है। फिर आगे हम लोगों ने बात की सुख के बारे में। सुख के बारे में ये बात की कि जो चार स्तर की व्यवस्था है उसकी स्पष्टता, और उसकी स्पष्टता के साथ जब मैं जी पाता हूं विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, उसको कहा सुख। प्रस्ताव प्रक्रिया ये है, प्रस्ताव है हम उसको जांच लें, जी के देख लें, है ना, निरंतर उभय सुख उभय समृद्धि को देख लें। तो ये प्रस्ताव के बारे जो स्पष्टता हुई उसी को कहा समझ। तो इतनी बात हुई थी। कल हम लोगों ने मानव में व्यवस्था के बारे चर्चा पूरा किया था, आज परिवार में व्यवस्था के बारे बात करेंगे। तो ये चारों व्यवस्थाओं में मानव पे पूरा हो गया है, आज परिवार पे बात करेंगे। परिवार व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था की चर्चा को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके ध्यान में दिला देता हूँ, है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये पूछने की बहुत जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति ही अपने परिवार को सुखी करना चाहता है। तो हम में से हर व्यक्ति अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, ये मुझे स्पष्ट है। मुझे एक लाइन और स्पष्ट है कि आप सिर्फ इतना ही नहीं चाहते, आप तो वास्तव में इस बात के लिए भी तत्पर रहते हैं कि अगर परिवार को सुखी करना है और उसके लिए थोड़ा बहुत दुख भी झेलना पड़े तो आप झेलने को तैयार रहते हैं। कि हम अपने परिवार को सुखी करना तो चाहते हैं, मात्र इतना ही नहीं, हम उससे आगे तैयार है कि अगर सुखी करने के लिए दुख भी उठाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। मैं इस पर एक दो लोगों से थोड़ा पूछ लेता हूँ, बेबी राजा जी और अतुल कुमार जी, क्या लगता है ये दोनों बातें आपके लिए सही है क्या? सुषमा जी, रश्मि जी, जो भी लोग उपलब्ध हो जी, अपना माइक इनेबल करके बोल सकते हैं जी। रश्मि जी, क्या लगता है ये दो बात आपके लिए सही है? नमस्ते, नमस्ते। जी, हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है।
और इसके लिए दुख उठाने, दुख शब्द की जगह भैया मैं कहना चाहती हूँ परिवार में समर्पण की जरूर कई बार जरूरत पड़ जाती है, जी, तो तो सुखी वो करने के मैं लिए समर्पित होने को भी तैयार रहते हैं, जी वो मैं हमेशा करती तैयार हूँ, और रहते हैं। शायद इसीलिए मैं सुखी रह पाती हूँ। जी, बाकी लोगों से भी एक दो लोगों से पूछ लेते हैं। भारती साक्या जी, आपको क्या लगता है, ये दो बातें आपके लिए सही है? जी नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर बिल्कुल सही हैं ये दोनों बातें मेरे लिए भी, और मैं एक अपनी फैमिली में करने का पूरा प्रयास भी करती प्रयास ही हूँ। करते हैं, है ना। हाँ लेकिन अतुल सर जी को क्या लगता है? एक छोटी सी हाँ, बात। अभी अभी हेलो अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी अभी आके प्रश्न करो। जी अतुल जी, दो बातें आपको नमस्ते। अपने परिवार के लिए सही लगती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि परिवार के साथ में जब तक संतुलन के लिए समर्पण ना हो तो संतुलन वही स्थापित ही नहीं। तो, मुझे ये बात स्पष्ट है ना, जी आप तीनों लोगों से बात करते ही रहेंगे। बेबी जी का भी माइक ऑन हो सकता है। बेबी जी, सुषमा जी, रश्मि जी, जो लोग भी उपलब्ध हो, माइक ऑन करके रख सकते हैं, आप लोगों से बात आगे करते रहेंगे। सुषमा जी, रश्मि जी, जो लोग भी उपलब्ध हो, माइक ऑन कर लें। जी, तो जी भैया हमने कहा दो बातें, हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, साथ में हमने ये भी कहा कि कई बार अगर उसको उनको सुखी करने के लिए हमको समर्पित होना पड़े, थोड़ा झेलना भी पड़े, तो हम वो भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी परिवार के कई लोगों को ऐसा क्यों लगता रहता है कि हम उनके दुख के कारण सही हैं? यही प्रश्न इसलिए इसको रेड था कलर से सर लिखा। मेरा। अच्छा भैया इसको है ना, वाकई में जब ऐसी परिस्थिति बनती है ना तो जी, तब हंसी नहीं आती, बाद में जब अपन उस परिस्थिति से निकल जाते हैं तो हंसी आती है। हंसी आती तो हाँ तो क्या होता है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूंगी भैया है। कि जैसे हमने हमारे पति के परिवार में जी भानेज को इन्होंने रखा हुआ था, 2 साल की जी थी तब से, ठीक है। हाँ, अब वो 18 साल की हो गई, तो शादी वाली हो गई गांव के हिसाब से। जी हाँ तो जब उसकी विवाह की जी बात आई, विवाह की बात आई, तो मेरे जो बड़े जेठ हैं दोनों, वो बोलते जी हैं कि अब ये भानेज को उनके घर भेज दें, मतलब दीदी के घर। जी तो ये बात मेरे संस्कारों के हिसाब से मुझे सही नहीं लगी कि जब बच्ची आपके यहाँ पली बड़ी है और तीनों मामा जी सक्षम है तो क्यों भेजा जाए दीदी के घर, करेंगे इस अपन पर, अपन विवाह भी। इस पर आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि एक दो लोग और माइक ओपन करके रखें तो अच्छी चर्चा हो पाएगी, जिनके आसपास नॉइज अगर ना हो रहा हो तो। आप ओपन रख सकती हैं दीदी माइक अपना, दीप्ति ठाकुर जी भी ओपन रख सकती हैं माइक, एक दो लोग माइक को ओपन करके रखें तो हम लोग साथ साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, खासतौर से जिनके आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस कम हो। जी, तो कुछ जो भी लोग, रश्मि जी ने भी कर लिया, दीप्ति ठाकुर दीदी आप भी कर सकती हैं जी भानु भैया, दीप्ति जी। ठाकुर नमस्ते जबलपुर से, जी, नमस्कार। नमस्ते। तो हम लोग इन मुद्दों पे ना थोड़ा एक साथ लोगों के, कुछ लोगों के माइक ओपन करके चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर कभी डिस्टर्ब होगा आप लोग के एंड पर ना कुछ आवाज का, तो थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन माइक खुला रहेगा तो चर्चा आगे चलेगा। जी बढ़िया, तो बाकी लोग भी खुला रख सकते हैं माइक, जो 3-4 लोगों ने खोल रखा था ना माइक अभी, विजय जी, सुषमा जी, ये सब लोग माइक खोल रखे थे, तो माइक खोल सकते हैं, माइक खुला रख सकते हैं। जी, तो एक बात तो हम लोगों ने ये चर्चा की कि हम सभी परिवार में सुखी होना चाहते हैं ना, ये सब, फिर भी परिवार के लोगों को लगता रहता है कि हम जो है हम ही उसके दुख का कारण है, या वैसा वर्षा ऐसे ही देखेंगे ना। कुछ और प्रश्न है हम लोग के परिवार से, ये प्रश्न है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, कुछ और प्रश्न भी है ना, जैसे देखेंगे तो भाई भाई के रूप में, बाप बेटे के रूप में, पति पत्नी के रूप में, हम बरसों एक दूसरे के साथ रहते हैं, 30-30 साल, 40-40 साल, रिटायरमेंट की एज तक और आखिरी क्षण तक साथ साथ रहते हैं, फिर भी कई बार हमको ऐसा क्यों लगता रहता है कि ये दूसरा आदमी हमको समझ नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं भैया नहीं लगता, जी नहीं सर, कई कई बस जगह लगता है सर, कई जगह लगता है। जी कई दीप्ति बार ऐसा दीदी, होता है भी है, 20-20 साल से साथ रह रहे हैं और फिर डिवोर्स की नौबत आ रही है तो कहीं ना कहीं लगता है। जी, हम आपको अपनी बात बताएं कि हमको एक जगह पता लगा कि मतलब हस्बैंड वाइफ कहीं गांव के थे, और उन्होंने बहुत मेहनत की और शहर में आ गए, बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश में भेज दिया, और कभी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भाई हम दोनों ने तो अपनी जिंदगी बहुत सफल जी,
गांव से शहर आए, बड़ा घर बनाया, बच्चों को विदेश तक भेज दिया। तो हमको बहुत खुशी है कि हमने इतनी सब काम किया। पत्नी ने बोला उनसे कि नहीं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही बात की शिकायत है, आप हमको समझ नहीं पाए। वो पत्नी को ऐसा लगता होगा कि मैं अपने दम पे सही करती चली जा रही हूँ और इनसे करवाती चली जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पति ने भी इस बात को कहा कि हाँ हाँ हमको भी यही लगता है कि तुम ना हमको समझ नहीं पाई। जिंदगी यूं ही निकल गई। तो ऐसा कई बार लगता है ना कि हम साथ साथ तो खूब चले, लेकिन एक पड़ाव पे कभी बैठ के सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला तो हमको समझ ही नहीं पाया, या हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाए। एक दूरी बनी की बनी रह गई वैसे, जो कभी जिंदगी के किसी पड़ाव पे आ गई थी तो वो खत्म होने की जगह बनी रह गई, है ना। तो ये सब क्यों होता है, ये सारे प्रश्नों पर आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। इसलिए जो कह रहे हैं ना, ना चाहते हुए भी हम ऐसे परिवार में तो कम से कम कोई नहीं चाहता कि गुस्सा करे एक दूसरे पर, एक दूसरे से झगड़ा करे, एक दूसरे से लड़ाई हो, बंटवारा हो, तलाक हो, परिवार में तो नहीं चाहते। लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब हो तो रहा ही है। एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक बार गुस्सा, एक ही व्यक्ति से एक से अधिक बार झगड़ा, एक ही व्यक्ति से एक से अधिक बार लड़ाई, ये हो ही रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आखिर, जो हम नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते और परिवार वाला भी नहीं चाहता, फिर भी हो रहा है। क्या लगता है इसको, परिवार में कोई भी व्यक्ति चाहता है क्या, ये जितने उदाहरण मैंने लिखे? नहीं सर, कोई नहीं चाहता सर, कोई नहीं चाहता भैया, फिर भी हो रहे हैं। कुछ तो कारण होंगे इसके, तो उसके 50 कारण, 50 कारण हम गिना सकते हैं दूसरे के बारे, और दूसरा भी 50 कारण गिना सकता है हमारे बारे। जी, है ना। और इसको गिना भी रहे होंगे पिछले 20 वर्षों से, लेकिन ये हल तो हो नहीं रहा। तो क्या कारण है ठीक ठीक, और कैसे हल होगा, आज हम लोग इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो जैसे मैं एक प्रश्न पूछा मैंने ना यार, क्या लगता है आप लोगों को, ये मानवीय संबंध महत्वपूर्ण है नहीं है? मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना, जी बहुत ज्यादा, शांति से रिणी के इर्द गिर्द है जी। तो कभी कभी महत्वपूर्ण है कि निरंतरता में महत्वपूर्ण है? सर निरंतरता में हमेशा महत्वपूर्ण। अगर ये वास्तव में महत्वपूर्ण है तो संबंधी के साथ कभी कभी जब झगड़ा हो जाता है तो आपस में बातचीत क्यों बंद हो जाती है? क्या कारण? सर मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो समझ में आता है शायद ईगो आ जाती है, ईगो आ जाता है या सही तो, जी जी तो ईगो आ जाता है। भैया कि कौन पहले झुके, कौन पहले बातचीत शुरू करे, अगर तो चाहे हम सही हैं या गलत हैं, लेकिन गलती मेरी ही मानी जाए, मेरी हो जाती है ना। तो जो मैं पहले दिन बात कह रहा था ना कि हम संबंध की बात करते हैं और सोचते युद्ध की तरह है। हार जीत तो युद्ध में होती है, संबंध में हार जीत तो होता नहीं है। संबंध सफलता से जी ले गए तो दोनों जी गए, दोनों जीत गए। सर कुछ कारणों में बातचीत इसलिए भी बंद रहती है, झगड़ा आगे ना बढ़े और ज्यादा ना बढ़े, झगड़ा आगे ना बढ़े, है ना। हाँ, इसलिए भी हम बातचीत बंद कर देते हैं कि चलो यही खत्म है। लेकिन लेकिन उससे झगड़ा खत्म अंदर तो होता नहीं। अंदर तो लड़ाई चलती रहती है, अंदर तो चलती रहती है, और बाहर भले ही नहीं हो रही हो लेकिन अंदर तो चलती। और जिस ढंग से चाय परोसते हैं उससे व्यक्त भी होती रहती है। हाँ बिल्कुल सर। थोड़ी कप में आवाज ज्यादा आती है, थोड़ा ज्यादा खिसका देते हैं। भैया भैया हम जब भी कभी ऐसे झगड़ा हो जाता है घर में और बात करना बंद होती है तो हम उस टाइम शांत हो जाते हैं और मौन धारण करके फिर विचार करते हैं। सिर्फ बाहरी धारण होता है कि भीतर भी मौन धारण, भीतरी भीतरी मौन धारण होता है और कभी भी फिर सामने वाले से शिकायत नहीं रहती। वही तो ज्यादातर देखे ना, तो कई बार बाहर तो मौन धारण हो जाता है लेकिन अंदर विचारों में बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो अगर देखे तो ये अगर हो रहा है तो सब क्यों हो रहा है, इन सब पे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो अभी तक हमने जो जांच परख की है इन 3-4 दिनों में, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो एक बात तो ये जांच परख की है कि क्या संबंध को बिना समझे संबंध में ठीक ठीक जिया जा सकता है? क्या क्या लगता है?
नहीं जी सकते है ना। तो जैसे देखेंगे ना तो मैथमेटिक्स है, उसमें 2+3 जोड़ना है तो बच्चों को पहले नियम बताते हैं ना इसका जी। अगर नियम समझ में आ गया तो बड़े नंबर्स भी जोड़ पाता है जी। इसका भी नियम समझ में आ गया तो आप कितना बड़ा भी नंबर लिख दीजिए सब जोड़ पाता है, सही जोड़ पाता बिल्कुल, है बिल्कुल। अगर ये नियम ना बताए और बच्चे से कहे कि कसम खाओ सही जोड़ोगे आज मेज पे खड़े हो जाओ पूरी क्लास के कसम खाओ कि आज से सही जोड़ोगे, होगा क्या? नहीं होगा ना। सोचिए ना, बिना नियम समझे दो नंबर नहीं जुड़ते हैं, बिना नियम समझे संबंध कैसे चल सकते हैं? तो बिना नियम समझे अगर नंबर जोड़ते हैं तो बार बार गलती होती है, वैसे ही बिना संबंध को समझे जब संबंध में जीने का प्रयास करते हैं तो बार बार गलती होती है। लेकिन हमको लगता है कि हमको समझने की जरूरत नहीं, दूसरे को समझना है, उसको भी ये लगता है कि उसको समझने की जरूरत नहीं, हमको समझने की जरूरत है, दोनों संबंध को समझने तैयार नहीं होते। मैं वो जो बार बार वर्कशॉप में उदाहरण बताता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक समय दोनों ने अपने अपने परिवारों पर दबाव डालकर विवाह किया, शादी हुई, बच्चा हुआ एक, जो भी 2-3 साल शादी चली, फिर एक पॉइंट पर दोनों का जो भी झगड़ा होते होते इस जगह पहुंच गया कि डिवोर्स की नौबत आ गई। तो जो भी एक परिचित व्यक्ति जो दोनों के परिवारों को जानते थे वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो जाए, तो उनको पता लगा होगा, तो वो एक जिनके बारे सुबह बता रहा था मैं सर के बारे में, उनसे मिलने आए कि भाई ये लोग संबंध पे सब काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है, आप लोग कुछ इसमें कर सकते हैं क्या? तो सर ने कहा कि बगाड़िया सर ने कहा कि अच्छा ठीक है आप बुलाइए, तलाक का निर्णय तो ले चुके हैं तो उससे वस्तु तो अब क्या होगा, है ना, होगा तो ठीक ही होगा, नहीं तो वस्तु तो हो ही रहा है। तो उन्होंने बुलाया, बस उन्होंने कहा कि बस करिएगा ये कि दोनों को साथ साथ लाइएगा, अलग अलग नहीं लाइएगा। तो दोनों को साथ साथ लेके आए, खैर पहले तो तैयार नहीं थे बट आए, तो आकर के 2.5-3 घंटा दोनों एक दूसरे का खूब शिकायत किए, रोना रोए, जो भी शिकायत आरोप लगाने थे लगा लिए, फिर थक के चुप हो गए दोनों लड़का लड़की। तो गणेश जी ने पूछा एक पॉइंट, भाई देखो हमने आपको अच्छा जितना भी चीखना चिल्लाना किए वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि तलाक लेना क्यों जरूरी है, है ना। तो गणेश जी ने प्रश्न किया उनसे कि भाई देखिए हमने आपको यहाँ पर इस बात के लिए नहीं बुलाया है कि तलाक क्यों जरूरी है आपके लिए लेना, ये एक्सप्लेन करें, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाई तलाक लेना है कि नहीं लेना है तो आप दोनों के व्यक्तिगत निर्णय है, और आप लोगों ने मिलकर निर्णय ले लिया है कि तलाक लेना है, ठीक है, लेकिन तलाक लेने के बाद आगे की जिंदगी के बारे आप लोगों ने क्या सोचा है? फिर से शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, अकेले अकेले ही जिएंगे? तो उन्होंने कहा जी करेंगे, लड़के ने कहा जी करेंगे, लड़की ने भी कहा करेंगे, हमको कौन लड़का नहीं मिलेगा, क्या आप भी करेंगे, है ना। तो गणेश जी ने पूछा कि पिछली शादी आप लोग की अपनी मर्जी से हुई थी जबरदस्ती हुई थी? बोले जी हमारी मर्जी से। तो वो शादी इस हालत तक पहुंच गई, अगली शादी भी इस हालत तक नहीं पहुंचेगी, इसकी क्या गारंटी है? सही बात है। तो उन्होंने कहा जी आप कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी पहले भी आप लोगों ने संबंध को बहुत भाव से शुरू किया जीना, बहुत निष्ठा से शुरू किया, है ना, बहुत कमिटमेंट से शुरू किया, लेकिन संबंध के नियमों की स्पष्टता ना होने के कारण 2.5-3 साल में ही संबंध यहाँ पहुंच गया। आगे भी अगर संबंध के नियमों को आप बिना ठीक से समझे शुरू करते हैं तो या तो चलेगा नहीं, या चलेगा तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा खींचतान के ऐसे ही घिसट घिसट के चलेगा। तो लड़कों ने उसने कहा कि अच्छा संबंध के नियम को समझने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको बताया कि IIT में हम लोग 8 दिन का कार्यशाला चलाते हैं, उसमें संबंध के नियमों पर चर्चा करते हैं, आइए उसमें समझ लीजिए, फिर आप लोग को जो उचित लगे ये संबंध चला सकते हैं तो इसी को चला लें, और लगे नहीं चला सकते तो कम से कम अगला संबंध तो ठीक चलेगा। तो लड़के ने कहा जी 8 दिन सुबह से शाम तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो गणेश जी ने कहा कि भाई आप सुविधा कमा सके, जो 3 नंबर की चीज है ना, सुविधा कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, और संबंध 2 नंबर पे, 2 पर। तो सुविधा आप कमा सके उसके लिए जिंदगी के कितने साल लगा रहे हैं, क्या अनुमान होगा आप लोग का? जी आदमी सुविधा कमा सके उसके लिए 20 साल तो पढ़ाई ही कर रहा है जी। तो 20 साल लगा रहा है तो सुविधा कमाने लायक हो पा रहा है, संबंध के नियम समझने के लिए 8 दिन भी नहीं निकल पा रहे हैं, फिर तो जो संबंध में हो रहा है ठीक ही हो रहा है।
क्या करें भाई, हम संबंध को जीना चाहते हैं, कमिटमेंट रखते हैं, बहुत समर्पण रखते हैं, लेकिन संबंध को बिना समझे, इसलिए परिणाम नहीं आते। इसलिए संबंध के नियमों को समझना भी आवश्यक है। तो आज हम लोग कुछ संबंध के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके आज कल दोनों दिन चर्चा करेंगे इस पर। तो इसलिए जो निष्कर्ष कह रहे हैं कि संबंधों के निर्वाह के लिए संबंध का समझ का होना भी आवश्यक है। सिर्फ चाह लेने भर से संबंध का निर्वाह नहीं हो जाता, संबंध का समझ होना भी आवश्यक है, संबंध को समझना आवश्यक है। इस बात की हम लोगों ने जांच परख की। हम लोगों ने ये भी जांच परख की कि हमारे परिवारों में जो दुख है, बहुत सारा दुख तो संबंध का ठीक ठीक निर्वाह ना होने के कारण है। इनफैक्ट अधिकतर दुख तो संबंध का ठीक ठीक निर्वाह ना होने के कारण है। सुविधा के कारण भी कुछ होंगे, बट वो बहुत कम बार होते हैं, संबंध वाले ज्यादा होते हैं, ऐसा निष्कर्ष हम लोगों का बना था। अतः परिवार में मुख्य मुद्दा संबंधों का है, अधिकतर दुख हम उसका झेल रहे हैं, है ना। और सुविधा शरीर का उपयोग साधन के रूप में किया जा सकता है इस संबंध को ठीक ठीक जीने के लिए, अगर संबंध समझ में आ जाता है तो। इसलिए सुविधा गैर जरूरी है ऐसा नहीं, सुविधा शरीर इन साधन इन सब का सदुपयोग हो सकता है संबंधों में ठीक ठीक जीने के लिए। तो दूसरी मुख्य बात जो हम लोग के ध्यान में आई अभी तक, वो ये ध्यान में आई कि जब तक हम मानव को सिर्फ शरीर मानते हैं, तब तक संबंध को समझ पाना संभव नहीं है जी। क्योंकि भाव जो है शरीर से बात कम जुड़ता है, सेल्फ से अधिक जुड़ता है। बिना सेल्फ को ठीक से समझे भाव के बारे में बहुत गहराई से बात नहीं हो सकती, और संबंधों को बिना समझे निर्वाह कर पाना संभव नहीं है, भले ही हम संबंधों का निर्वाह कितना भी मजबूती से करना चाहते। इसलिए संबंधों को शरीर के आधार पर मानते हैं, हम संबंधों को शरीर के आधार पर मानते हैं और शरीर के आधार पर ही संबंधों का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, और यह काम नहीं करता हमारी तमाम अच्छी चाहनाओं के बावजूद भी। तो बाप बेटा एक दूसरे के साथ शरीर के आधार पर संबंध को एक समय तक झेलते तो है, लेकिन अगर लगातार सम्मान विश्वास स्नेह जो स्वयं की आवश्यकता है उसकी ठीक से समझ कर निरंतरता में पूर्ति नहीं कर पाते, तो वही बाप बेटा एक दूसरे के लिए दुख के रूप में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एक पॉइंट के बाद डायरेक्ट बातचीत बंद हो जाती है। माँ के थ्रू बेटा कहता है पिताजी से कुछ कहना है, तो पिताजी को बेटे से कहना है, तो वो भी अपनी पत्नी के थ्रू कहते हैं, और धीरे धीरे अब तो उसके बहुत सारे विभत्स रूप भी सामने आ रहे हैं। इसलिए अब हमको जब ये स्पष्टता हुई है पिछले कुछ चर्चाओं से कि मानव स्वयं और शरीर का सहअस्तित्व है, तो अब हम इस स्पष्टता के साथ संबंध की जांच परख करने का प्रयास करेंगे कि मानव जो है स्वयं और शरीर का सह अस्तित्व है। और जब इस स्पष्टता के साथ जांच परख शुरू करते हैं तो ये स्पष्ट होती है कि संबंध है किससे किसका, मैं से मैं का, स्वयं से स्वयं का। संबंधों में भाव है एक स्वयं का दूसरे स्वयं के लिए। संबंधों में भाव है एक स्वयं का दूसरे स्वयं के लिए, और इन भावों को पहचाना जा सकता है, ये निश्चित है, संख्या में 9 है, और इनका निर्वाह और मूल्यांकन करने से दोनों सुखी होते हैं, अर्थात उभय सुख होता है। ये जो 9 भाव है ये सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, ये 9 भाव है जो कि एक स्वयं को दूसरे स्वयं के लिए से पूरा होता है। तो संबंध है मैं का मैं से, संबंध में भाव है एक मैं का दूसरे मैं के लिए, इन भावों को पहचाना जा सकता है, निश्चित है, संख्या में 9 है, ये नीचे लिस्ट है। इन भावों का निर्वाह करके और सही सही मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है, अर्थात जब मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य के भाव से जीता हूं तो खुद भी सुखी होता हूं और दूसरा भी सुखी होता है। तो इस पर कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को ले लेता हूं, एक दो लोगों के ही क्वेश्चन को लूंगा, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो
भैया किन्हीं के भी एक दो लोगों के क्वेश्चंस के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। सौरभ पुष्प जी के पास ही माइक है और अनिल कांबले जी, भैया आप सुन पा रहे हैं? अनिल भैया, अनिल कांबले जी। जी भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया, बताएं। भानु भैया, मैंने उस समय हैंड रेस किया था जब चर्चाएं अपनी चल रही थी कि पति पत्नी 17 साल 18 साल साथ में रहते हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, उस दौरान मैंने हैंड रेस किया था। और तो मेरा ये कहना है कि बड़ी बात नहीं है इस विषय में, क्योंकि अभी तक हम अपने स्वयं को भी नहीं समझ पाए हैं। सही बात, दूसरे को समझ पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। सही बात है, बिना स्वयं को समझे दूसरे को समझना कठिन ही होगा। इतने वर्षों में हम अपने स्वयं को नहीं समझ पाए हैं और ये प्रक्रिया है स्वयं को समझने की। सही बात है, सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से जी। कि दूसरे को तभी ठीक से समझा जा सकता है जब हमने स्वयं को समझा। तो ये हमें इसलिए हम लोगों ने इस कार्यशाला में दूसरे को समझने से पहले स्वयं को समझने का काम किया। अब दूसरे को समझेंगे तो उसको भी समझना आसान रहेगा। पहले की समझ के साथ संबंधों को जीना है किस तरह से, तो ये UHB सेशन के माध्यम से मैं समझ पा रहा हूँ। बढ़िया, और का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। जी जी, देशमुख जी। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे जो थोड़ी सी आवाज कम आ रही है सलीम भैया आपकी। भैया अगर ईयरफोन लगाए हो ना तो ईयरफोन लगा के भी बोलिएगा, आवाज और साफ आएगी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आप बोलिए। सुनाई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है बट बहुत कम आ रही है, लेकिन आप बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर सर बहुत ही जो बातें हो रही है बहुत गहन बातें हो रही है और हम अच्छे से जो संबंधों के बारे में और जो जो छोटे छोटे बातों के लेके जो तनाव आते हैं उन तनावों को हम कैसे अच्छे से समझ पाए है ना, तो बहुत अच्छी अद्भुत हमारे लिए ये कार्यशाला है। और तो कोई प्रश्न हो भैया तो प्रश्न लेते हैं, आपकी जो शेयरिंग है ना इस तरह की उसको सुबह सुन लिया करेंगे, प्रश्न अगर कोई है तो ले लेते हैं। आपने जो संबंधों के जो भाव बताया सर, ये नौ जो लिस्ट बताया जी, वैसे तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो इनका थोड़ा थोड़ा सा जैसे कि संबंधों में क्या क्या प्रभाव रहता है हम इसमें शायद चर्चा करेंगे अभी। आइए हाँ हाँ, जस्ट अभी चर्चा करेंगे, विश्वास से चर्चा को शुरू करेंगे और आज और कल नौ भाव पे चर्चा करेंगे भैया। बिल्कुल जी, आरिफ खान जी, मोहम्मद आरिफ खान जी। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही भैया। मैं सर मोहम्मद आरिफ खान बोल रहा हूँ सर, शाहजहापुर से। जैसे कि सर आपकी जो कार्यशाला चल रही है सर बहुत अच्छी लग रही है और वास्तव में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहे हैं और जिसमें आपका तो बहुत ही अच्छा है सर, समझाने का तरीका भी है वो सभी। और जीवन में वास्तव में सर ये पहली पहली मेरी कार्यशाला है और इसके पहले भी मैंने अल्पविराम का लिया था सर, बहुत अच्छा लगा था जितने भी जो समस्या थी। अब सर इसमें एक संबंध का जो आपने बताया सर, वास्तव में एक परिवार से अपन जो संबंध रहता है अगर वो अपन माता पिता के साथ में रहते हैं और इसी बीच अपनी शादी भी हो जाती है, पत्नी भी साथ में रहती है, अगर मान लो अपन पत्नी के फेवर में बोलते हैं तो माता पिता कहते हैं कि ये तो पत्नी का ज्यादा गुलाम हो गया है ना, और अगर पत्नी को अपन रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई माता पिता के, तो ऐसा क्यों सर? थैंक यू, आपने एक व्यवहारिक मुद्दा उठाया है करेंगे हम लोग है ना, थोड़ा इन भावों पे बात हो जाए तो ज्यादा और अच्छे से बात हो पाएगी, लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक बात हो गया है ना जी सर, वो संबंध है ना इसलिए मैंने आप जी 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 बहुत ही व्यवहारिक बात है, जब स्नेह पे बात करेंगे ना तब करेंगे इस पर चर्चा। ओके, 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 तब उस समय ध्यान दिलाएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो अब चर्चा थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं भैया, तो कुछ लोगों के माइक भी हम लोग ओपन करके रख सकते हैं चर्चा की दृष्टि से। तो कुछ लोग माइक अपने ओपन कर सकते हैं स्वेच्छा से, जिनके यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस कम हो। तब तक पोल के रिजल्ट भी आ गए हैं, आज लगभग 98 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि संबंध मैं से मैं का है, 98% लोगों ने लगभग किया है संबंध मैं से मैं का है। बढ़िया, चलिए तो कुछ लोग माइक ओपन कर लें, हम लोग चर्चा साथ साथ करेंगे। जी जी, रघुवंशी जी, कोई एक लोग और कर लें, चार लोगों का माइक एक साथ ओपन करके देखते हैं कि कोई क्योस तो नहीं होता है ना। रश्मि दीदी, आरिफ खान जी, अनिल कांबले जी, तीन लोगों के माइक आ। जी जी, तो हम लोग साथ साथ चर्चा करते रहेंगे, अगर किन्हीं के माइक में थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो किन्हीं दूसरे का बीच में ऑन कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे जी, जस्ट कि क्योस कई बार ना उधर का आसपास का आवाज जो है डिस्टर्ब करने लगता है लोगों को इस कारण।
तो उसको अदरवाइज नहीं लेंगे हम लोग जी। तो इतनी बात हुई कि भी संबंध है मैं का मैं से, संबंध में भाव है एक मैं का दूसरे मैं के लिए, इन भावों को पहचाना जा सकता है, ये निश्चित है, नौ है नीचे लिस्ट देख रहे हैं आप। और जब भी ये भाव मेरे अंदर होते हैं मैं सुखी होता हूँ, और जब भी इन भावों को दूसरे के साथ में व्यक्त करता हूँ दूसरा भी सुखी होता है, इसी को कहा उभय सुख। अब हम लोग एक एक भाव को समझेंगे। इसमें विश्वास के भाव को कहा आधार मूल्य। क्यों कहा आधार मूल्य? क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो उस आदमी का सम्मान करना बहुत कठिन है, और अगर विश्वास सम्मान नहीं है तो स्नेह करना भी कठिन है, और विश्वास सम्मान स्नेह नहीं है तो ममता वात्सल्य भी नहीं हो सकता। तो बाकी सारे भाव इस भाव पर ही टिके हुए हैं, उसी पर निर्भर करते हैं, इसलिए इस भाव को कहा आधार मूल्य। और विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य से होते तक जब प्रेम तक पहुंचते हैं तो प्रेम को कहा पूर्ण मूल्य, है ना, कंप्लीट वैल्यू, पूर्ण मूल्य। तो इतनी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग विश्वास के ऊपर आज चर्चा शुरू करेंगे। तो विश्वास के बारे कुछ प्रश्न होते हैं हमारे मानस में, जैसे विश्वास क्या है, विश्वास केवल कुछ व्यक्तियों पर होगा या सभी पर विश्वास हो सकता है, विश्वास कुछ शर्तों के आधार पर होगा या बिना शर्त के भी हो सकता है, जैसे है ना कि सामने वाले आदमी ने ये सब कुछ कर दिया है ना तो विश्वास है, अगर ये सब कुछ नहीं किया तो विश्वास नहीं होगा। ऐसा कुछ शर्तों के साथ ही विश्वास चलेगा या बिना शर्तों के भी विश्वास हो सकता है ना। एक पोल लॉन्च हो गया है, तब तक आप लोग उत्तर दे सकते हैं जब तक मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या हम निरंतरता में किसी पर विश्वास कर सकते हैं या समय समय पर वो विश्वास हिलता ही रहेगा? ऐसे कुछ तीन चार प्रश्न है जिन लोगों के माइक ओपन है, आप लोगों से तब तक चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है कोई भी व्यक्ति इन चारों प्रश्नों के बारे, या स्पेशली नीचे के तीन प्रश्नों के बारे अगर थोड़ा अपना विचार रखे, ये पहले वाले के बारे तो आगे बात करेंगे जी, कोई लोग भी क्या लगता है तीनों चारों लोगों से? बानो भैया नमस्कार, पुनः आपको नमस्ते अनिल जी। तो यदि संबंधों के बारे में हम चर्चा करते हैं जी, तो संबंधों में तो विश्वास बहुत जरूरी होता है, हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं जी। तो भैया क्या लगता है कि विश्वास कुछ ही व्यक्तियों पर होगा या सभी पे हो सकता है? कुछ नहीं, प्रारंभिक दौर में संबंध निभाने के लिए तो हम सभी पर विश्वास करते हैं, कुछ व्यक्तियों पर विश्वास नहीं कर, सभी पर करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसी क्रियाएं की जा करती है कि हम उन पर विश्वास कम करना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, कम होता है। शुरुआती दौर में तो हम सब पर विश्वास कर सकते हैं और करना चाहिए, बच्चा सभी के साथ करना शुरू करता है ऐसा कहना जी 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 जी। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। और सशर्त जो आपने लिखा है सशर्त, तो विश्वास करने में शर्त कुछ नहीं होती है, और जहाँ सशर्त हम विश्वास करते हैं तो वो शायद संबंध शायद हमारे बिगड़ते भी है सर। जी 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 भानु भैया जी, कुछ और लोगों का भी सुन लेते हैं। जी भैया मेरे मत अनुसार भी विश्वास बहुत जरूरी है संबंधों के लिए, और जैसा कि अनिल भैया ने बताया कि विश्वास वाकई में हम सभी पर करते हैं, लेकिन बाद में फिर विश्वास यदि टूटता है तो हम संभालने लगते हैं उन व्यक्तियों से, और विश्वास कभी शर्त पर हो नहीं सकता, क्योंकि विश्वास 99% नहीं हो सकता, 100% ही होगा या नहीं होगा जी। और निरंतरता में विश्वास भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं मेरे पति पे निरंतरता में विश्वास करती हूँ जी, जी, कर सकते हैं जी जी जी, जी, जी। सौरभ जी का और सुन लेते हैं जी। जी सर, क्या लगता है सौरभ जी आपको? सर विश्वास तो मेरा मानना तो ये है कि विश्वास तो जैसे आपने लिखा ना उसको आधार मूल्य जी जी, तो ये तो बेस है हर चीज का, क्योंकि कोई बच्चा अपने माँ बाप से कोई वो नहीं मांगता सर्टिफिकेट के दिखाओ मैं आप कहीं बेटा हूं कि नहीं हूं, ठीक है ना। तो रिलेशंस हम लोगों के जो भी हैं उनका सारा कुछ जुड़ाव जो रहता है वो विश्वास से रहता है जी, तो जी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट तो है। क्या लगता है ये जो दूसरा तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या लगता है आपको? शर्त सर, विश्वास में शर्त का कोई कॉलम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जी, ये सशर्त तो हम इसको नहीं कह सकते। अभी अभी क्या रहता है, अभी शर्त रहता है विश्वास में कि नहीं रहता है? चाहिए तो ठीक है, अभी की क्या स्थिति है? कह रहे चाहिए तो
हाँ चाहिए तो ठीक है, लेकिन अभी जब विश्वास करते हैं तो लोगों पे शर्तों के साथ करते हैं, बिना शर्त के करते हैं? नहीं सर, बिना शर्त के करते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो निरंतरता में लगता है आपको विश्वास करना संभव है? सर निरंतरता में अब ये सभी के लिए तो नहीं कह सकते हम, कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए निरंतरता में विश्वास रहना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है, कभी हम कहते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तो विश्वास भी एक उसी पॉजिटिव एटीट्यूड का हिस्सा है कि जिससे आप जुड़ के मतलब सकारात्मक बढ़ सकते हैं। करते हैं बात, बस पिन पॉइंटली थोड़ा मोहम्मद जी से भी पूछ लेते हैं, मोहम्मद आरिफ खान जी से, इन दो प्रश्नों पे उनका क्या इनपुट है पिन पॉइंटली? विश्वास जरूरी है सर, कोई से भी हो, चाहे मेंबर हो, चाहे कुछ व्यक्तियों पर होगा या सभी पर होगा, उस पर क्या लगता है? सभी पर होना चाहिए सर, सभी पर सभी, नहीं, होना हाँ, चाहिए या सभी पर हो पाता है, उस पर क्या लगता है? विश्वास तो सभी पर होता है सर, होता है, करना भी चाहिए। के साथ कर पाते हैं आप कि बिना शर्तों के करते हैं? बिना शर्त पे सर। अच्छा, और विश्वास जिस पर भी करते हैं कंटिन्यूटी में कर पाते हैं या ब्रेक आता है? हाँ थोड़ा आता जरूर है ब्रेक, सामने वाला समझ नहीं पाता है सही, अपन भले कर रहे हैं उस पर विश्वास। तो इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रख के ना हम लोग अब विश्वास की चर्चा को करेंगे। ओके सर, ओके भैया। कभी कभी ये विश्वास कुछ लोगों के मामले में इतना दृढ़ होता है कि ये बदमाशी ही करेगा हमेशा। अविश्वास एकदम अनकंडीशनल हो जाता है, कंटिन्यूअस अविश्वास बिना शर्त का। करेंगे अभी तो जस्ट आगे चर्चा, थोड़ा विश्वास के बारे बात कर लेते हैं। माइक आप लोग ऑन ही रखें, कुछ लोग और भी ऑन कर सकते हैं एक दो लोग, तो हम लोग ऐसी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबकी बात तो एक साथ माइक ऑन करा देने पे क्रॉस हो जाता है, लेकिन चार पांच छह लोगों का माइक ऑन रख सकते हैं, तो तीन लोगों का ऑन है, तीन लोग और चाहे तो अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, जिनके यहाँ थोड़ा क्रॉस कम हो रहा हो अर्थात आवाजें ज्यादा ना हो रही हो, वो लोग कर सकते हैं ओपन अपने माइक को। तो स्वेच्छा से जो लोग भी जिनको लगता है कि उनके आसपास थोड़ा शोर कम है वो माइक को ऑन कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे ही संवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी ठीक, अगर किसी को लगे बीच में कि थोड़ा आवाज हो रहा है तो बीच में थोड़े समय के लिए बंद कर लें, आवाज खत्म हो जाए फिर खोल लें। जी सर। तो हमने जैसे लिखा है कि विश्वास का मतलब है आश्वस्त होना। आश्वस्त होने का क्या मतलब है? जब मुझे ये स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा आदमी जो मेरे सामने है वो भी मेरा सुख और समृद्धि ही चाहता है, वो मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में ही है, ऐसा जब मेरे को स्पष्ट हो जाता है तो मैं दूसरे आदमी से आश्वस्त होता हूं, तब मैं ये कह पाता हूं कि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। ठीक यही बात दूसरे पे भी लागू होती है, वो जब ये देख पाता है कि मैं उसका सुख समृद्धि चाहता हूं, मैं उसके सुख समृद्धि के अर्थ में ही हूं, ऐसा जब उसको स्पष्ट होता है तब वो कह पाता है कि वो मेरे पे विश्वास करता है। क्या लगता है आप लोग को, विश्वास की ये परिभाषा आपके विश्वास की परिभाषा में फिट बैठती है या कोई इसमें कठिनाई है? सहज स्वीकार है आपको ये विश्वास की परिभाषा? जी भैया सहज स्वीकार है। जी आरिफ जी? हाँ सर स्वीकार है सर। जी अन्य लोगों से, एक दो लोगों से और पूछ ले, कोई लोग स्वतः ही अपने माइक को ऑन करके बता सकते हैं, जो लोग का हैंड रेज है जिनके पास माइक है। जी जी रश्मि जी। जी भैया क्या लगता है? बिल्कुल सहज स्वीकार है ये बात, ठीक लगता और है। हाँ तभी हम सुखी रह पाते हैं जब विश्वास इस तरह का होता है कि वो एक दूसरे के बीच में बाधा नहीं बनता है, जी वो समृद्धि में सहायक होता है। तो एक बार मैं ना चाहूंगा कि सभी लोगों का हैंड डाउन कर दें भैया। ओके ओके सर। हाँ आरपी सिंह भैया सभी लोग का हैंड एक बार डाउन कर दें। जी अब थोड़ा एक बार हैंड रेस करा लेते हैं उन लोगों का, अभी हैंड अभी डाउन करके सभी लोग का डाउन कर दें, अभी दो लोग का आप दिख रहा है ना। हाँ सबके हैंड डाउन कर दें, हैंड डाउन रहने दें, अभी सबका हैंड डाउन कर दें, नए हैंड रेज हैं ये। अच्छा तो अभी हैंड डाउन रहने दें, कोई लोग हैंड रेज ना करें अभी थोड़ी देर। हाँ हम लोग थोड़ा ये चाहते हैं कि कोई पांच छह लोग चिन्हित हो जाए जिनके बारे ऐसा लगता है कि उनके पास आसपास थोड़ा नॉइज नहीं होगा और उनका माइक खुला रह करके उनके साथ चर्चा हो सकती है, तो वो लोग हैंड रेज कर दें तो हम उन लोगों को माइक अवेलेबल करा देंगे, तो खुल जैसे उन लोगों के साथ ना ओपन चर्चा होती रहेगी,
पूरे सेशन में। हाँ, तो जिन भी लोगों के पास ऐसा लगता है कि नॉइज उनके पास नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं आएगा उधर से, तो उन लोग हैंड रेज कर दे, तो हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको माइक दे देंगे। बहुत ज्यादा नहीं ओपन करिएगा भैया, 5-6 से अधिक ओपन एक साथ करेंगे तो संभालना कठिन हो जाएगा फिर नॉइज को। जी भैया, हाँ, बीच में कभी आपको लगे कि नॉइज हो रहा है तो आप बीच में बंद कर लें, लगे नॉइज खत्म हो गया तो शुरू करें। देखिए, अपनी बात रखना चाह रहा था जी, तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, फिर बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहेंगे। तो विजय जी, बस अभी मैं थोड़ा चर्चा आगे बढ़ा के फिर आपसे बात करूंगा। तो मैंने लिखा विश्वास के बारे में कि दूसरा मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में ऐसा स्पष्ट हो जाने को कहा विश्वास। अब प्रश्न ये बनता है कि ये पर्सन वन है, कोई पर्सन वन है, कोई पर्सन टू है, है ना? अब उसमें ये तय कैसे हो, कैसे स्पष्ट हो कि किन दो लोगों के बीच में विश्वास है और किन दो लोगों के बीच में विश्वास नहीं है, है ना? ये कैसे तय हो कि कोई पर्सन है P1 और P2। जस्ट अ मिनट। जी, तो कोई पर्सन P1 है, कोई पर्सन P2 है। ये P1 को कैसे सुनिश्चित हो कि P2 के बारे में उसको विश्वास है या नहीं है, P2 को कैसे सुनिश्चित हो कि P1 के बारे में उसको विश्वास है या नहीं है, ये कैसे सुनिश्चित होगा, है ना? तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं अभी, आप सभी लोगों के साथ मिलकर के इस प्रयोग को करेंगे कि मैं यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर कुछ 8 प्रश्नों का सेट लिखूंगा, आसान आसान से प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपके बारे में होगा और 4 प्रश्न दूसरे के बारे में होगा। तो जो आपके बारे में होगा उसका उत्तर तो आप ही देंगे, और जो 4 प्रश्न दूसरे व्यक्ति के बारे में भी होगा ना, उसके बारे आपका कुछ ना कुछ अनुमान रहता है, इसलिए उसका उत्तर भी आप ही देंगे। तो आप जिनके साथ भी विश्वास की जांच परख करना चाहते हैं, उसमें पहले व्यक्ति आप होंगे, दूसरा व्यक्ति कोई भी आप सोच लें अपने जीवन से, है ना, उनको ध्यान में रख करके हम लोग इन 8 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं उसको शुरू करूं तो उसको और आपके बारे में जब बात होगी ना, तो 2 और मुद्दों पर बात होगी। आपका चाहना होगा कि भाई ये हम चाहते हैं, दूसरा मुद्दा होगा कि आप उसमें से कितना करते हैं, अर्थात आपका करना, अर्थात आपका योग्यता। तो जब आपके बारे में भी 4 प्रश्नों की बात होगी तो 2 प्रश्न आपके चाहने से संबंधित होंगे और 2 प्रश्न आपके करने से संबंधित होंगे। ऐसे ही दूसरे आदमी के जो 4 प्रश्न होंगे, 2 उसके चाहने से और 2 उसके करने से। तो मिला करके ये 8 प्रश्न मैं स्क्रीन पे रखूंगा और आप लोगों से जिनके भी माइक ओपन रहेंगे उनसे वर्बली में उस प्रश्न को पूछूंगा, बाद में पोल के थ्रू आंसर भी ले लेंगे, पहले वर्बल ले लेते हैं। तो जो चाहना वाले हैं उसको इधर लिखूंगा राइट लेफ्ट साइड में और करने वाले को राइट साइड में लिखता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। मैंने तीसरा प्रश्न लिखा, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है। और मैंने चौथा प्रश्न लिखा, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है। तो अगर आप इसको देखें तो पहले 2 प्रश्न मेरे से संबंधित है, नीचे वाले 2 प्रश्न दूसरे आदमी से, और ये पहले 2 प्रश्न मेरे चाहना से संबंधित है, नीचे के 2 प्रश्न दूसरे की चाहना से संबंधित है। तब इन 4 प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, आप लोग कुछ लोग और माइक को ऑन कर लें तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, मतलब एक साथ पूछूंगा, आप एक साथ भी बता सकते हैं, 1-2 लोग और माइक ऑन कर सकते हैं, 4-5 लोगों का हो गया, बस इतने ही रहते हैं जी, बस चारों का उत्तर एक एक करके पूछूंगा अमिता दीदी, एक एक करके, तो हाँ या ना में उत्तर बताइएगा आप लोग, है ना, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, बाकी लोग पोल पे उत्तर देते रह सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ या चाहती, क्या उत्तर आएगा, यस और नो? यस। बाकी लोग भी उत्तर दे सकते हैं साथ साथ, यस या नो? यस सर। तो उत्तर इसका आ रहा है यस। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे उत्तर दें जरा, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ सुखी होकर के, यस बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, ये भी सही है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेरे को निरंतर सुखी करना चाहता है,
मैं सर सोचती हूँ जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रही हूँ वो मुझे इंटरव्यू करना। बाकी लोगों को क्या लगता है? यस कह नहीं सकते सर, मुझे लगता है कि दूसरे के विषय में हम कैसे जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, डाउट आने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं ये मान एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करेंगे, अभी जस्ट जी एक्सप्लेनेशन पे करेंगे चर्चा। जी 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 आरिफ जी, आरिफ जी कुछ कह रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक, तो इन इन चार प्रश्नों का देखें तो लगभग इस तरह का उत्तर आया है। जी आरिफ जी। सर पहला तो सही है सर, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। ठीक सर। दूसरा, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। दूसरा सर, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, ये भी सही है सर जी। तीसरा, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, ये भी ठीक है सर। लेकिन चौथा जो है सर, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, ये मेरे को नहीं हो पाएगा, डाउटफुल लगता है। जी, 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 जी। तो बाकी लोगों का ये उत्तर आया, देखते हैं पोल का क्या उत्तर आता है। भैया अगर पोल का रिजल्ट आ गया हो तो थोड़ा शेयर करें। भैया रिजल्ट अभी पोल चला, लोग दे रहे हैं रिस्पॉन्स, लेकिन जो आ रहा है ना, तो पहले का उत्तर तो हाँ में आ रहा है 97%। जी, दूसरे का भी उत्तर 96% लोग कह रहे हैं कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। जी, और जो तीसरा प्रश्न है, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, इसका भी स्थिति यही कि 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ। और जो चौथा है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, एकदम मिले जुले उत्तर है। 41% हाँ, 10% नहीं, 49% कह नहीं सकते, इसमें काफी तो यह शंका आ रहा है। इनफैक्ट हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं लगभग ऐसा ही पैटर्न आता है। बट थोड़ा अब चार प्रश्न मैं इधर और रखता हूँ। अब ये जो चार प्रश्न होंगे ना, करना को लेकर के होंगे, योग्यता को लेकर के होंगे, ये चाहना को लेकर के है, मेरे और दूसरे की चाहना। इधर तो चार प्रश्न होंगे मेरे या दूसरे के करना को लेकर के होंगे, योग्यता को। आप लोगों को क्या लगता है, जो लोगों का माइक ओपन है, कि चाहना और करना एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग 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 अलग। ठीक, तो अब उसको ध्यान में रखते हुए अगले चार प्रश्न का उत्तर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जी, तो पहला प्रश्न जो मैंने लिखा, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ। उत्तर अभी नहीं देंगे, उत्तर मैं एक एक करके पूछूंगा, अभी विचार के लिए प्रश्न है आप लोगों के लिए। मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ। फिर दूसरा मैंने लिखा, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ। तीसरा मैंने लिखा, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है। और चौथा मैंने लिखा, दूसरा मेरे को निरंतर सुखी कर पाता या कर पाती है। ये चार प्रश्न लिखे, आप थोड़ा इनका आप लोगों ने विचार कर लिया होगा, एक एक करके इनका उत्तर लेना शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, नहीं कर पाते सर। जी सर, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। उसमें कंटिन्यू निरंतरता नहीं रहती, कभी कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है? कह नहीं सकते, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं। दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है, क्या लगता है आप सब लोग? कह नहीं सकते सर, इसमें भी नहीं कह सकते, डाउट है सर, डाउट है सर, इसमें भी नहीं कर पाता, सुखी निरंतर सुखी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और चौथा, दूसरा मेरे को निरंतर सुखी कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो बड़ा डाउट है भैया, क्लियर है भैया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ भैया। अभी करेंगे चर्चा दीदी, अभी ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन ले ले, फिर चर्चा तो करना ही है बहुत सारा अपने को। अभी बस क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पे अभी खुल के चर्चा करेंगे हम लोग। जी भैया, पोल लॉन्च हुआ होगा, इसके उत्तर आए क्या? जब तक पोल का आ रहा है बात कह लीजिए। पोल जो उत्तर अभी चली रहा है, लोग इस पे अपनी राय रखी रहे हैं, जो जितना आया है मैं बता देता हूँ। जो पहला है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, कितने तो लोग आए? 60% लोग कह रहे हैं नहीं, और 8% लोग, जितने भी लोग आए हैं ना, नहीं कह सकते। यहाँ से स्टार्ट करना छात्र के हस्ताक्षर। जी जी भैया, और दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, इसका भी उत्तर नहीं, मैं कह नहीं सकता का 92% परसेंटेज बता दीजिए भैया, प्रश्न रिपीट करिए सिंपल। हाँ, परसेंटेज 1, 2, 3, 4 का बता दीजिए भैया। नो ही आ रहा है, पहले का भी नो आ रहा है, परसेंटेज ज्यादा, दूसरे में भी नो ज्यादा है, उसको फिर लॉन्च कर दीजिए। अभी बाकी स्थिति भी हो, तो जब तक उत्तर आ रहा है तब तक वो रश्मि दीदी कुछ कह रही थी, उनका ब्रीफ में कहिएगा दीदी। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं योग्यता के आधार पर फर्स्ट और फोर्थ में
हाँ मैं उत्तर दिया हूँ क्योंकि मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ और दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है इसको भी मैं फील कर पाती हूँ, भले ही वो ऐसा लगे कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है लेकिन वो मुझे पता है कि वो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। बढ़िया दीदी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं हम लोग इन सारे निष्कर्षों को, है ना, और फिर और आगे बात करेंगे। तो इसको कंक्लूड करूं अगर मैं, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मैं सुखी, स्वयं सुखी होना चाहता हूं, सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूं और सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, लेकिन जब करने जाता हूं तो कभी कर पाता हूं कभी नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं जब सुखी नहीं कर पाता अपने को या दूसरे को, तो मुझे अपने चाहने पर संदेह नहीं होता, मुझे यह स्पष्ट रहता है कि मैं खुद सुखी होना चाहता हूं, दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, परिस्थितियां या योग्यता कम पड़ रही है, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही या योग्यता कम पड़ रही है, इसलिए कर नहीं पा रहा हूं। तो करने में अगर आप कम पड़ रहे हैं, योग्यता में कम पड़ रहे हैं, तो आपको अपने चाहने पर शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपने चाहने का मूल्यांकन अलग से करते हैं और योग्यता का मूल्यांकन अलग से करते हैं, इसलिए योग्यता की कमी को योग्यता के रूप में ही देखते हैं, उसको वापस चाहने पर मिक्स नहीं करते, चाहने को अलग से इंडिपेंडेंट मूल्यांकन कर पाते। लेकिन जब आप दूसरे का मूल्यांकन करने आते हैं तो क्या ये स्पष्टता वहां काम करती है? नहीं, आप उसके चाहने का अलग करें और करने का अलग करें, ज्यादातर समय तो करने का मूल्यांकन करते हैं और उसी से हम निष्कर्ष बना लेते हैं किसके बारे, चाहना के बारे, चाहने के बारे में। जी, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें ना, तो जैसे गिलास आपके घर में ना, कांच का गिलास कई बार आपसे गिर के टूटा होगा, है ना, ऐसा होता है ना कि आप अपना मूल्यांकन तो इस के अलग अलग, दूसरे में आप ये वाला डाउट यहाँ ले आते हैं। कई बार आप देखे होंगे ना कि कई बार कांच का गिलास आपके हाथ से भी टूट के गिरता होगा, है ना, और कई बार वही कांच का गिलास दूसरे के हाथ से भी टूट के गिरता होगा। क्या दोनों समय एक ही सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या सेंटेंस बदल जाते हैं? अलग बदल जाते हैं, भावना बदल जाती है, सेंटेंस भी सब बदल जाते हैं। यही बात हुई ना कि हम नहीं चाहते थे लेकिन वो हमसे हो गया, तो हम नहीं चाहते थे ये हमें पता है क्योंकि वो अंदर की मामला है। जी जी जी, नहीं चाहता था या चाह के किया उसने या बिना चाहे किया, वही वही, तो कैसे किया उसको समझना जरूरी है ना। दूसरे को हम कहते हैं उसने जानबूझ के तोड़ दी। जी, तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि दूसरे से जब टूटता है तो बोलते हैं दूसरे ने गिलास तोड़ दिया। जी, और जब मुझसे टूटता है तो क्या बोलते हैं, मुझसे गिलास टूट गया। ये दोनों सेंटेंसों का मतलब ही एकदम अलग है। जब हम कहते हैं उसने गिलास तोड़ दिया, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमको उसके चाहने पे शंका है, उसने जानबूझ के तोड़ा, है ना। और जैसे ही हमको लगता है उसने जानबूझ के गिलास तोड़ा, हमारे अंदर विरोध का भाव आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिढ़ मचने लगती है। लेकिन अपने बारे देखते हैं ना, अच्छा जब चिड़ मचने लगती है तो हमारा निष्कर्ष क्या बनता है कि दूसरा गलत है, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन वही गिलास 100 बार भी मेरे से क्यों ना टूटे, तब भी मैं अपने बारे क्या कहता हूँ कि नहीं नहीं मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था, कहीं ना कहीं मुझसे टूट गया, उसको अपने चाहने पे शंका नहीं होती, है ना। और मुझे लगता है कि मुझसे तो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, दूसरे जानबूझ के करते हैं, है ना, इसलिए मेरा निष्कर्ष ये बनता है कि मैं विशेष हूं दुनिया में, मेरे बाद अच्छा पीस धरती पे बना नहीं, है ना, क्योंकि मैं अपने चाहने को देखता रहता हूं और मुझे लगता है मैं तो सुखी होना चाहता हूं, सुखी करना चाहता हूं, गलतियां तो बार बार योग्यता में होती है, है ना, इसलिए मैं अपने को थोड़ा विशेष मान लेता हूं और मेरा निष्कर्ष ये बनता कि मैं अच्छा आदमी हूं, है ना, और इसलिए मैं अपनी योग्यता में सुधार करने का कोई प्रयास भी नहीं करता, तो मेरी योग्यता का विकास भी वहीं रुक जाता है और दूसरे की योग्यता में कुछ सहयोग भी नहीं कर पाता, सिवाय आरोप प्रत्यारोप के। आप देखिए ना, कभी आप ऑफिस लेट आते हैं तो क्या बोलते हैं, और जब दूसरा ऑफिस लेट आता है तो क्या बोलते हैं, क्या वो एक ही जैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग अलग। अपने बारे क्या बोलते हैं, लेट हो गया, ट्रैफिक था, घर में कोई आ गया, गाड़ी खराब हो गई। दूसरे के बारे ऐसा निकलता है एकदम से, नहीं तो लेट ही आता है,
जानबूझ के लेट हुआ, ये झूठा बहाना बना रहा है, इसका ऐसे झूठ बोल रहा है। तो तुरंत उसके चाहने पर शंका चला गया, हमने ये सोचा ही नहीं कि कमी तो उसकी योग्यता में और परिस्थितियां उसके लिए भी खराब हो ही सकती है ना। अच्छा कभी आपने ध्यान दिया हो ना, घर में आप दूध गर्म करते हो ना चूल्हे पे गैस पे, तो कभी आप लोगों ने गर्म किया होगा, महिलाएं हो तो सब गर्म करती रहती होगी, हालांकि आजकल पुरुष भी सब काम में लगे रहते हैं तो महिला पुरुष का मतभेद तो है नहीं। तो कभी आप दूध गर्म कर रहे हैं तो आपसे दूध उबल करके उफन करके गिर जाता होगा, गिरा ही होगा ना कई बार, और दूसरा भी कई बार आप बोल देते हैं दूसरे को कि भैया दूध देखते रहे ना, हम जरा ये काम कर रहे हैं, तो उस दौरान भी उफन के गिरता होगा। दोनों स्थिति में हमारा भाषा एक ही रहता है, बदल जाता है सर, बदल जाता है। पहली स्थिति में तो बोलते ही नहीं भैया, सर दूसरी की स्थिति में बात होती है। सर मैं तो तुरंत पोछ पाछ के रख देता हूँ सर, पता ही नहीं चल पाता कि दूध गिरा है मुझसे। पहले वाले में बोलते हैं दूध गिरा है ना, जैसे अपने से उबल के गिर गया, और दूसरे वाले में बोलते हैं इसने दूध गिरा दिया जी। है ना, हम लोग के एक बुजुर्ग थे, अब रहे नहीं, राम जी भाई उनका नाम है, तो मतलब शरीर शांत हो गया उनका, तो वो एक बार बता रहे थे कि मतलब अब एक सास और एक बहू आपस में कहा सुनी कर रही थी, रियल घटना मतलब उनके घर के आसपास की, कि बहू जो है दूध गर्म कर रही होगी चूल्हे पे और दूध उफन के गिर गया और चूल्हा भी बुझ गया, और दूध तो गिरा सो गिरा, तो सास जहाँ खड़ी होंगी उन्होंने अपना पूरा डांट डपट करना शुरू कर दिया, दूध गिरा दिया, दूध गिरा दिया, दूध गिरा दिया, रोज का इसका यही हालत, जो भी भाषा। तो वो सुनते रहे सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर इसको दूध गिराना ही होता तो आग सुलगा करके बर्तन धो करके उसमें दूध गर्म करते हुए एक घंटा लगा के क्यों गिराती, सीधे सीधे गिरा देती ना। उसके लिए एक घंटा मेहनत क्यों करना था उसको। तो सिंपल लुढ़का देती। भैया आपने जो ऊपर ये जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें एक अच्छी बात लिखी है कि अगर दूसरे ने एक बार भी गलती की है तो हमारे निष्कर्ष अलग होते हैं, लेकिन वही गलती हम 100 बार कर लेते हैं, 100 बार भी करते हैं तो हमारा निष्कर्ष एक गलती ऊपर माफ करना अच्छा। इसके बाद भी तो सर पता है, फिर भी तो करते हैं सर, फिर भी जो है सास जो है बहू को बहुत डांटती है, उन्हें क्या ये जला दिया, और खुद अगर जल जाए तो कुछ नहीं, खुद का हिस्सा हो जाता कुछ नहीं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना तो ये बहुत छोटी घटनाएं नहीं है, भाव के स्तर पर बड़ा चेंज है ना। क्या चेंज है अगर उसको देखे ना, तो भाव के स्तर पे ये जो बड़ा चेंज है वो बड़ा चेंज ये है ना, कि हम पहले केस में तो अपने लिए देख पा रहे हैं कि मेरा चाहना सुखी होकर सुखी करने का है ना? पहले केस में तो ये देख पा रहे हैं भैया, नए पोल्स अभी लॉन्च नहीं करिएगा, यह नया नहीं है, ये पुराना ही पोल है, इसपे फिर से लोगों का ले रहे हैं रिफ्लेक्शन, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। हमको पहले केस में जब अपने साथ होता है तो हमको अपना चाहना अलग दिखता है, और हमको दिखता रहता है कि भाई हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, योग्यता होती है, परिस्थिति साथ देती है तो कर पाते, नहीं होती है नहीं कर पाते, इसलिए अपने पे गुस्सा भी नहीं आता, अपने में एक आराम बना रहता है, भले हम कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि हमको स्पष्ट है कि हमारा चाहना अलग है और हमारा करना अलग है, योग्यता अलग है। लेकिन जब दूसरे के साथ इसको देखने जाते हैं ना, तो हम उसके चाहना को अलग से आकलन करना भूल जाते हैं। भैया पोल को रहने दे, पोल को रोक दे, ऑटोमेटिक शुरू हो गया, मैं इसको ठीक करता हूं, एंड पोल कर ले इसको। हाँ मैंने ठीक कर दिया, मैं वेट कर लेता हूँ, महत्वपूर्ण। हाँ नहीं, मैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने वाला हूँ, लोगों के स्क्रीन पे बार बार आएगा तो प्रॉब्लम। इसमें ना रिजल्ट को शेयर करके तब रोकेंगे तो रुकेगा, अब क्लोज हो जाएगा जी। ठीक, तो मैं जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल रहा था कि जब हम अपना आकलन करते हैं ना, तो हम अपने चाहने का आकलन अलग और योग्यता का आकलन अलग करते हैं, और ये देख पाते हैं कि प्रॉब्लम योग्यता की है, चाहने की नहीं। लेकिन जब दूसरे का आकलन करने आते हैं सामान्यतः, तो ये आकलन हम उसके योग्यता का कर रहे होते हैं, लेकिन उसी का हम उसका चाहना मान लेते हैं, तो इसी के आधार पर शंका यहाँ ले जाते हैं।
और बार बार संबंधों में ये समस्याएं शुरू हो जाती है। अच्छा सोचिए ना, अगर एक बार आपको ये लग जाए कि प्रॉब्लम दूसरे की चाहना भी, ये दूध चाह करके गिरा रहा है, ये गिलास चाह करके तोड़ रहा है, ये लेट चाह करके आ रहा है, और एक बार आपको स्पष्ट हो जाए कि नहीं नहीं इसके चाहने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके योग्यता की है, तो क्या दोनों में हमारी स्थिति एक जैसी रहती है कि अलग अलग रहती है? क्या लगता है सर? अलग अलग रहेगी। अलग अलग रहेगी। तो अलग अलग क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। भैया यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर हम दूसरे के चाहना को समझ पाएंगे तो शायद उसके करने को हम खुद सेटिस्फाई कर लेंगे। जी, तो हम उसके करने को ठीक से मूल्यांकित कर पाएंगे, उसमें जो सहयोग करना है कर पाएंगे। यस यस, अगर हम पहले चाहना को समझ पाए, लेकिन चूंकि चाहना एक इंटरनल पॉइंट है, वो अंदर की विषय वस्तु है, तो वहां समझना थोड़ा सा जो आप करूंगा, मैं उसको स्पष्ट करूंगा कि वो कैसे स्पष्ट होता है। पहले तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहना को भी समझना जरूरी है दूसरे, है ना, फिर वो कैसे समझा जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो जब ये बात स्पष्ट होती है ना, तो मैं अपना मूल्यांकन अपने चाहने के आधार पर करता हूँ, है ना, और मतलब अगर स्पष्ट नहीं रहता ये बात तो, और दूसरे का मूल्यांकन उसके योग्यता के आधार पर करता हूँ, और इससे मुझे चाहना पर जब शंका होता है तो अंदर विरोध, गुस्सा, चीड़, खीज, ये सब आता है ना, और ऐसा करके मैं कई बार संबंधों में काफी उथल पुथल हो जाती है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, और कई बार तो संबंध ही टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे मित्र भी खो देते हैं। शुरू यहां से होती है और पहुंच जाता है सालों तक बात बंद होने तक। तो इसी को मैं कह रहा था कि चाहना पर शंका होने से ही संबंधों में बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप देखें ना, जो बात कह रहे थे भैया अभी थोड़ी देर पहले, ये चाहना पे शंका भले आप बाहर व्यक्त करें ना करें, कल्पनाशीलता में अगर चल रहा है तो क्या लगता है भैया? अभी कोई पोल लॉन्च ना करें भैया। आरपी सिंह भैया, आरपी सिंह जी, नहीं नहीं भैया, बिल्कुल रिपोर्ट आ रही, कुछ कोई पोल लॉन्च हुआ पड़ा है? नहीं अब नहीं होगा भैया, अब नहीं होगा, रिपोर्ट आ रही। तो जो चाहने पे शंका है वो फिर बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे ब्लास्ट हो जाता है। तो आप देखते होंगे ना, कई बार हम कुछ किसी के चाहने पे शंका है तो हम हो सकता है बाहर कुछ ना कहे, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता में चलाते रहते और थोड़े समय बाद चिल्ला देते, तो उसी को कहा वो ब्लास्ट हो गया एकदम। तो अब इसी को थोड़ा ठीक से देखे ना, तो मैं अगला अगर प्रश्न पूछूं कि यदि आप बिना शर्त के, आपको ये स्पष्ट है कि दूसरे की चाहना, दूसरे की सहज स्वीकृति तो सुखी होकर सुखी करने की ही है, और आप उसके चाहने पर निरंतरता पे विश्वास करते हैं बिना किसी शर्त के, यदि दूसरे पे, जो सामने वाला परिवार का सदस्य है, और आपको स्पष्ट है कि जो भी कमी है वो दूसरे की योग्यता में है, परिवार का जो सदस्य है अगर नहीं कर पा रहा है तो वास्तव में वो सुखी तो मुझे करना ही चाहता है ना, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो कमी उसकी योग्यता में है, अगर इतनी बात आपको स्पष्ट है परिवार के दूसरे सदस्य के बारे में, तो इस चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनते हैं? ए। ए भी है। बाकी लोग भी बताएं। जनरली होता सी के लिए है, होता जनरली होता भैया बी सी डी है, लेकिन चूंकि अब बात फिर से प्रश्न को फिर से देख ले भैया, प्रश्न ये है कि यदि आप बिना शर्त दूसरे की चाहना पर निरंतरता में विश्वास करते हैं, अर्थात आपको ये स्पष्ट है कि दूसरे का चाहना तो आप ही की तरह है, वो भी आपको निरंतर सुखी समृद्ध करना चाहता है, ये अगर आपको स्पष्ट है, साथ ही साथ ये भी स्पष्ट है कि जो भी कमी दिखाई दे रही है इसके चाहना की नहीं, इसके योग्यता की है परिवार का जो सदस्य है, तो उस केस में आप कौन सा वाला करेंगे? ए वाला, की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आरपी सिंह भैया, होता नहीं। हाँ मैं आता हूँ भैया, होने वाले पे जी जी, अभी तो क्या करेंगे वो पूछ रहे हैं ना, तो जी करेंगे जी। तो खींचते हैं सर, बी वाला करेंगे, लेकिन आप करने क्या लग जाते हैं? हाँ, उसका विरोध करने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं, बीसीडी करने लग जाते हैं। जी जी, इसका मतलब ये है आप बीसीडी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? चाहने पर पास है तब या चाहने पे शंका है तब? शंका पर सर, चाहने पर शंका है तब जी। तो जब चाहने पे शंका होती है तो बीसीडी करने लगते हैं, और चाहने पर विश्वास होता है तो ए करते हैं, ए करते हैं जी। इसका काउंटर मतलब भी है कि अगर हर बार आप ए कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें चाहने पर जो विश्वास है वो निरंतरता में
बना हुआ है, बना हुआ है। जी, अगर आप 10 बार ए कर रहे हैं, 20 बार बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, यानी कुछ समय तो चाहने पर विश्वास बना है और बहुत सारा समय चाहने पर विश्वास नहीं बना है। दिन भर किसी के साथ आपने ए किया और सोते समय या किसी समय शाम के समय चाय पीते समय बी सी डी में कोई कर दिया 5 मिनट के लिए, इसका मतलब दिन भर निरंतरता में तो एक तरह से विश्वास बना रहा, लेकिन 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए वो चाहने पे शंका चला गया और बी सी डी आपसे हो गया। अगर आप इसको देखने जाए तो ये दो इंडिकेटर है। क्या दो इंडिकेटर है? जिन जिन संबंधों में हम हर बार विकल्प ए को चुनते हैं, यानी वहां चाहने पर विश्वास निरंतरता में बना हुआ है, और जिन जिन संबंधों में हमको बी सी डी कभी कभी बीच बीच में प्रयोग करना पड़ता है, तो चाहे अनजाने में, चाहे जानबूझ के, या बेहोशी में, या जैसे भी हमको पता ना चले, कहीं ना कहीं शंका कहाँ चला जाता है, उसके चाहने पर। एक बात मन में आई थी कि जो आपने कहा ए में दो बातें लिखी हैं, उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे और अपनी योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना तो हमारे लिए सरल होता है, वहां हमारे पास करने के लिए क्या मतलब क्या उपाय है वो हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में जो उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास, यहाँ कुछ चीजें सोचने में मजबूर जाती है कि कैसे। सही बात है ना, क्योंकि इसमें समस्या क्या होती है ना, जैसे कोई पर्सन P1 है और कोई पर्सन P2 है ना, जैसे आप पर्सन P2 है, आप P1 की योग्यता बढ़ाने जा रहे हैं, और P1 ने अगर अपने आप को आपसे अधिक समझदार मान रखा है तो क्या करें? आपकी योग्यता बढ़ाने आप जाएंगे, वो आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। यही गड़बड़ हो जाएगी। यही होता है सर। पॉजिटिविटी, आप बने उनके, आप चले उसका गुरु बनने तो पहले गुरु बना बैठा। पहले गुरु जिम्मेदारी से जिए ताकि वो ये देख पाए कि आप अधिक जिम्मेदार हैं और वो कम जिम्मेदार है। भानु भैया, इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं इसको थोड़ा पूरा कर लूँ फिर आगे बढ़ेंगे। जी, ये महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। जब तक दूसरे व्यक्ति को ये स्पष्ट नहीं होता है कि संबंध में आप अधिक जिम्मेदार हैं, है ना, तब तक वो आपके सहयोग और सुझाव जो योग्यता बढ़ाने वाले हैं ना, उसको लेने को तैयार नहीं होता जी। और कई बार छोटा है उम्र में, इसलिए कान खड़ा करके सुनता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में सुन भी नहीं रहा होता है। तो कोई संबंध में हम आप जी रहे हैं, 10 बार गलती आप भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, अगर आप अधिक जिम्मेदार हैं तो आपको पता है कि ये संबंध में ये कमजोर व्यक्ति है, थोड़ी योग्यता कम है, इसलिए गलती ज्यादा करेगा। गलती ज्यादा करेगा तो अब उसकी गलतियां हमको, है ना, उसके चाहने पे शंका की तरफ नहीं ले जाती, हम उसको हर बार योग्यता से जोड़ के देख पाते हैं और हमको उसकी गलतियों पे इरिटेशन नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, हमारा आराम डिस्टर्ब नहीं होता। और जब सामने वाला ये देख पाता है कि आप में उसके गलतियों के बावजूद भी, उसकी अयोग्यता के बाद भी आपकी स्थिरता बनी रहती है, दूसरों के साथ वो इससे छोटी गलती करता है तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जब इस अंतर को देख पाता है तो आपको परिवार में एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखने लग जाता है, फिर कहीं से भी पिट पिटा के आए अपना कंधा आपके सर पे रख के ही रोता है। बिल्कुल सही है भैया। ये जो स्वीकृति बनी ना, ये वो जगह है जहां से अब हम उसकी योग्यता को बढ़ाते हैं तो स्वीकार पाता है। उससे पहले अगर करते हैं ना तो वो स्वीकार नहीं पाता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ठीक सर। तो अब अगर इसको देखेंगे तो अगर किसी संबंध में हम बी सी डी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं या करना पड़ रहा है, उसका आशय है कि कहीं ना कहीं शंका कहा है चाहने पर, भले क्षण भर के लिए ही आए, और अगर हर बार ए कर रहे हैं, भले हम उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास फिजिकली नहीं कर रहे हैं, वैचारिक रूप से तो कर ही रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका साथ खड़े हैं, और जब अवसर बन रहा है तब प्रयास कर रहे हैं, बट एक वैचारिक प्रयास तो चल ही रहा है, तो उसमें हर क्षण हमें उसके चाहने पर विश्वास बना रहता है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने वाला, ये ज्यादा क्रूशियल और महत्वपूर्ण है। हम सभी ने संबंधों में जिंदगी लगाई है, आज के दिन हम ऐसे कितने संबंध जी पा रहे हैं जिसमें कभी भी हमको बी सी और डी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर बार ऑप्शन ए पर्याप्त पड़ता है।
सर कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, हमने कभी ना कभी तो गड़बड़ हुई। उसे गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने नियम को नहीं समझा तो हमसे चूक तो होगी होगी जी। अभी नियम समझ लिया तो भी अभी चूक होगी, क्योंकि एक अभ्यास बना हुआ है, उस अभ्यास से निकलकर नए अभ्यास में आने में एक समय लगेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, वो अपने अपने पराक्रम के ऊपर है। तो उससे गिल्ट में भी जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वास्तविक मूल्यांकन भी करने की जरूरत है कि हमारे घर की दीवारों में दरारें आई है या नहीं। और दरारें आ जाए, हम पोस्टर चिपका के चुपचाप बैठ जाए, ये तो कोई समझदारी जिम्मेदारी नहीं। दीवार को टूट जाने दें, तब होश में आए, या दरारों के समय ही होश में आ जाए कि भाई क्षण क्षण में दरारें आ रही हैं, दिन भर में एक बार दो बार उसे मार। आप लोगों ने जो बहुत सहजता से इस बात को स्वीकारा ना, कोई भी नहीं, बहुत साहस चाहिए इसके लिए। बहुत कठिन होता है इस बात को स्वीकार पाना कि हमारे अपने भैया कुछ कहना चाह रहे थे, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैं जो कहना चाह रहा था, भैया कनेक्ट होंगे तो उनको दोबारा सुन लेंगे हम लोग, कि हम लोग ये बड़ा कठिन है ये स्वीकार पाना ना कि हमको है ना अपने ही लोगों के चाहने पर क्षणिक भर के लिए शंका आ जाता है, इतना आसान नहीं है। साहस आप लोगों ने जो आप देखिए ना, मतलब उसको थोड़ा क्लोज देखिए, जैसे घर में है ना छोटा बच्चा है, माँ उसको गोदी में खिला रही है, पूरा प्यार दुलार कर रही है, और बच्चे ने माँ की गोद में लैट्रिन कर दी। माँ पूरे समय प्यार दुलार करती है, बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा धोती है, अपना भी नहाती है, धोती है, कपड़ा धोती है, कहीं गुस्सा नहीं आता उसको। लेकिन वही बच्चा 6-7 साल का जब बड़ा हो जाता है, कहीं दूर खड़ा अपने ही कपड़े में लैट्रिन करते, तो माँ क्या उतना ही प्यार दुलार कर पाती है कि गुस्सा आ जाता है उसको? क्या लगता है सर? गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आता है सर उसको, चाहना बदल गया भैया, यहाँ पर यहाँ चाहना बदल जाता है। यस यस, जबकि देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है जी, देखेंगे हाँ, तो देखेंगे क्या है, माँ वही है, बच्चा वही है। पहले बच्चे ने बड़ी गलती की थी कि माँ का कपड़ा भी गंदा किया, शरीर भी गंदा किया, अपना कपड़ा और शरीर गंदा किया, लेकिन माँ को गुस्सा नहीं आया। अब तो बच्चा दूर खड़ा है, खाली अपना ही कपड़ा गंदा किया, माँ का तो कुछ भी शरीर गंदा नहीं किया, लेकिन माँ को गुस्सा क्यों आ गया? कहीं ना कहीं माँ ने ये मान लिया कि इसका शरीर बड़ा हो गया, अब ये योग्य तो हो ही गया है, तो प्रॉब्लम अब इसकी योग्यता का नहीं है, ये जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, भले ही उसको होश हो ना हो। तो शंका कहाँ आ गया? उसके चाहने पर, और चाहने पर शंका आ जाने के बाद अपने ही बच्चे पे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, और कई बार वो हाथ उठा देती है। बिल्कुल सही सर, ये मैं जब ये कहने वाला था जी कि आपने उस प्रश्न को, जिस प्रश्न को आपने ले जाके छोड़ा कि क्या आपने कभी जीवन में कभी किसी पर कोई ऐसा रास्ता जिस पर आपने BCD का प्रयोग नहीं किया हो, तो वो भले ही आपने सेकंड में कुछ सेकंड का समय हमको दिया हो, 1 मिनट से भी कम का समय मिला था, लेकिन उतने ही समय में पूरे जीवन काल को एक बार अवलोकन करने का, एक बारीकी से देखने का जो अवसर दिया है कि हम ये पहचान पाए कि वास्तव में हमारे पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें हमने BCD पर नहीं गए हो, चाहे वो हमारे घर का बहुत निकटतम रिश्ता हो, हमारे परिवार का हो, हमारे बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, वाइफ हो, मित्र हो, कोई भी, लेकिन हमने कभी भी BCD का प्रयोग कभी ना कभी उस पर जरूर किया है, ये तो है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। भैया मेरे जीवन में, रश्मि बोल रही हूँ, भैया मेरे जीवन में 5 रिश्ते तो ऐसे निकट रिश्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन पे मैंने BCG का उपयोग नहीं किया, और समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा BCD का कभी संबंध नहीं रहा जी। और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, और जैसा मैंने कहा ना कि बड़ा कठिन है इसको देख पाना भी और स्वीकार कर पाना भी, कि मैं जो हूँ है ना दूसरे के चाहने पे शंका करता हूँ, इतना आसान भी नहीं है ना। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, रीजेंसी नाम है उसका, रीजेंसी हॉस्पिटल। तो मैं सुबह गणेश जी के बारे में बात कर रहा था ना, उनके एक मित्र जो है, उनके मित्र यानी कि मतलब उनके मित्र के पिताजी यानी हमारे टीचर के अंकल जी हुए, वो कभी बीमार थे, उनको हार्ट अटैक आया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक होके घर लौटे, तो ये मिलने गए उनको देखने गए। तो देखने गए तो उन्होंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी पिछली बार मैं मिलने आया था तो आप तो स्वस्थ दिख रहे थे, ऐसी कोई
संभावना तो दिख नहीं रही थी, अचानक से हार्ट अटैक जैसी नौबत कैसे आ गई? तो अंकल जी बोले, सया जी काफी खुले हुए थे इनसे, बोले बेटा क्या बताऊं, ये तुम्हारी आंटी है, कभी कभी ऐसा बोल देती है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है ना। उस दिन भी कुछ कुछ हमारे दोस्त को लेकर उन्होंने ऐसा बोल दिया और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बहुत बेचैन हो गया और ये दुर्घटना हो गई। तो गणेश जी ने उनसे पूछा कि आप जो बेचैन हुए, आप इतने आहत हुए, आंटी के बोले गए शब्दों के कारण आहत हुए या कहीं ना कहीं आपको शंका हुआ कि आंटी आपको दुखी करना चाहती हैं इसलिए आहत हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस प्रश्न को। गणेश जी ने उनसे प्रश्न किया अंकल जी से कि भाई आप जो भी बेचैन हुए, दुखी हुए, आहत हुए, इतना किस बात को लेकर आहत हुए? आंटी के बोले गए शब्दों के कारण आहत हुए या कहीं ना कहीं आपको ये शंका हो गई कि आंटी आपको दुखी करना चाहती है इसलिए आहत हो गए? क्या उत्तर आया होगा, क्या लगता है आपको? चाहना पे शंका वाली बात आई होगी, शंका हो गई। हाँ। चाहने पे शंका वाली उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हॉस्पिटल में जब तक मैं था सबसे अधिक तुम्हारी आंटी मेरा ध्यान रखती है, इस घर में अगर कोई सबसे अधिक मेरा ध्यान रखता है तो तुम्हारी आंटी रखती है पिछले 35-40 साल से, मुझे खिलाए बगैर खाना नहीं खाएगी, मैं बीमार हो जाऊं तो जगती रहेगी, इसका चाहना मुझे दुखी करने का हो कैसे सकता है ना? मैं जो दुखी हुआ किसके कारण? उसके बोले गए शब्दों के कारण, शब्दों के कारण, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बात तर्कसंगत भी लगती है कई बार देखने में। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा वही बात कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे, वही शब्द जिसके बारे आपको पता है कि थोड़ा बेचैन है, परेशान है, दुखी है, हैरान है, जो भी, तब भी आप उतने ही आहत होते जितना आंटी जी के बोलने पे आहत हुए? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं नहीं, नहीं सर। अगर शब्दों की प्रॉब्लम होती तो उतने ही आहत होते, यानी प्रॉब्लम शब्दों की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? उन्होंने उन शब्दों से निष्कर्ष कहां बना लिया, आंटी के चाहना पर शंका करके अंदर अंदर वो निष्कर्ष शिफ्ट हो गया योग्यता से, शब्दों से योग्यता, योग्यता से चाहने पर, और वो जो शिफ्ट हुआ उनको पता भी नहीं चला, लेकिन बेचैन इतना कर देता है कि नियंत्रण नहीं रहता शरीर पर। इसलिए कह रहा हूं इतना आसान भी नहीं है, बहुतों के साथ क्षण भर में उबल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे जब देखना शुरू करेंगे, गहराई से जांच परख शुरू करेंगे, तब पता लगेगा हमको कि हम कितना इस अंतर को ठीक से देख पा रहे हैं कि चाहना अलग है और करना अलग है। और अगर मेरे लिए चाहना और करना अलग है तो दूसरे के लिए भी चाहना और करना अलग ही है, है ना? वही नियम उसके लिए भी लागू होता है, वो भी इसी स्केल पे तोला जाएगा, मेरा और उसका स्केल अलग नहीं हो सकता, है ना? तब जाकर के मैं अपना मूल्यांकन जिस तरह से अपने चाहने का अलग कर रहा हूं उसी तरीके से दूसरे के चाहने का मूल्यांकन भी इंडिपेंडेंट करता हूं, और ये मैं देख पाता हूं कि जिस तरह मैं सुखी होकर दूसरों को सुखी करना चाहता हूं, वास्तव में परिवार का एक एक सदस्य खुद सुखी होकर औरों को सुखी करना चाहता है। जिस तरह से मेरे पास योग्यता होती है तो मैं कर पाता हूं, उसी तरह से परिवार के दूसरे सदस्य में भी योग्यता परिस्थितियां साथ देती है तो वह कर पाता, अन्यथा नहीं कर पाता। कम से कम परिवार में तो ये बात स्पष्ट हो ही सकती है, फिर धीरे धीरे बाकी दुनिया के लिए इसको देखेंगे, परिवार से तो ये बात स्पष्ट होना शुरू हो सकती है, बात हो सकती है। भाई साहब थोड़े समय पहले कह रहे थे कि हम कैसे देखेंगे कि दूसरे की चाहना क्या है, कम से कम परिवार में तो हम बात कर ही सकते हैं कि भाई आपने अभी ये किया तो आप ऐसा ही करना चाह रहे थे कि करना कुछ और चाह रहे थे और परिस्थिति बस आपसे वो कुछ और गया, भाई आपसे गिलास टूटा, वास्तव में आप चाह के गिलास तोड़ना चाह रहे थे कि आपका ध्यान इधर उधर भटक गया इसलिए गिलास ठोकर लग गई और टूट गया, बात तो हो ही सकती है। दो चार छह बार बात करके भी स्पष्ट हो जाता है कि नहीं नहीं चाहना ठीक है, और चाहना तो सहज स्वीकृति जो है नेचुरल है, इनेट इनवेरिएंट, जैसे मैं सुखी होकर औरों को सुखी करना चाहता हूं दूसरा भी सुखी होकर सुखी करना चाहता है। और ठीक से आप देखेंगे ना तो ये पहले दो प्रश्न और नीचे वाले दो प्रश्न कोई अलग अलग नहीं है, ये दो ही प्रश्न है ना, एक बार मैं इधर से देख रहा हूँ, एक बार मैं इधर से देख रहा हूँ, प्रश्न तो दो ही है, दूसरे की जगह खुद को रख के देखें तो प्रश्न वही है, प्रश्न तो वही है भाई, आप अभी उसके लिए दूसरे हैं लेकिन जब वो देख रहा है तो आप उसके लिए दूसरे हुए ना, प्रश्न तो दो ही है, मिरर इमेज है, एक बार इधर से देख रहे हैं और एक बार
उधर से, तो पता लगता है धीरे धीरे जितना आप इस अभ्यास को करते हैं कि वास्तव में जिस तरह से मेरा चाहना शुद्ध बुद्ध है सुखी होकर औरों को सुखी करने का, वैसे ही दूसरे का चाहना भी सुखी होकर सुखी करने का ही है। क्योंकि मैंने इसको बारीकी से अध्ययन नहीं किया, कम से कम परिवार में क्लोज मित्रों के साथ, इसलिए व्यर्थ में उनकी अयोग्यताओं का, उनकी परिस्थितियों के कारण जो गलतियां हुई उससे मैंने निष्कर्ष उनके चाहने पर बना लिया, और बार 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 बनाते बनाते मेरे में काफी रिजिड हो गया है, जिसको पिघलाना भी शुरू करता हूं तो समय लगता है, धीरे 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 पिघलता है। और ये बात दूसरे के लिए भी सही, तब जाके वही संबंध एक दूसरी दृष्टि से देखने शुरू होते हैं, एक दूसरा प्रारूप दिखने लगता है घर के अंदर, है ना। वही गलतियां जो हमको एकदम आग बबूला कर देती थी, अब ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से नहा है। अगर स्पष्ट हो जाए कि उसका चाहना तो ठीक ही है, जो गड़बड़ी हो रही योग्यताओं की कमी के कारण, परिस्थितियों के कारण, हम उसको आपस में मिलजुल कर ठीक कर सकते हैं, तीसरे का सहयोग लेकर ठीक कर सकते हैं, ना भी ठीक हो तो साथ में एक दूसरे के झेल सकते हैं, है ना, कि भाई उसकी योग्यता में भी कमी है, मेरे में भी कमी है, चार गलती मुझसे भी होनी है, चार गलती तुमसे भी होनी है, दोनों स्पष्ट हो देते हैं इस बात को, तो साथ साथ एक दूसरे की गलतियों को झेलेंगे, लेकिन चाहने पे तो शंका नहीं होगी, तो वही परिवार का परिदृश्य एक अलग हो सकता है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो मैं एक आध प्रश्न लूंगा, अन्यथा मैं भैया जैसे आपने अंकल आंटी के बारे में बताया, अंकल जी को कोई शक नहीं था कि उनकी पत्नी पर बिल्कुल भी शंका नहीं थी, लेकिन ये घटना घटी, तो इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है क्या कि समाज में रेपुटेशन वाली बात? वही वही, तो चाहे जो भी समाज रेपुटेशन रही हो या जो भी रही हो, उसका प्रभाव तो हमारे विचार पे ही आता है जी, और निष्कर्ष तो हम ही बनाते हैं, चाहे चाहना पे बनाए चाहे योग्यता पे बनाए जी जी, है ना। कितना भी सामाजिक दबाव हो, अगर हम स्पष्टता से देख लेते हैं तो एक अलग निष्कर्ष बनता है। मतलब आपके प्रश्न के संदर्भ में अगर अपनी एक घटना शेयर कर दूं, ब्रेक से पहले आप लोग का 5 मिनट का समय लूंगा, ब्रेक टाइम को 5 मिनट बढ़ा लेंगे, उस घटना को शेयर करके मैं उसको क्लोज करता हूं। आपके प्रश्न से मुझे ध्यान आ गया, मैं यहां क्या कहते हैं कि जहां मैं कानपुर में हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई यहीं से की, कानपुर से HPTI कॉलेज है एक। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो सेकेंड ईयर में जब मैं था, मैं कंप्यूटर साइंस में था, मेरा एक दोस्त सुधीर उसका नाम, वो मैकेनिकल में था, और जब तक हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत परिचित नहीं थे, सेकेंड ईयर में परिचित हुए। और वो घटना ये थी कि कभी जाड़े की छुट्टियां हुई कॉलेज में, सभी बच्चे घर चले गए, हॉस्टल में कुछ 4-6 बच्चे बचे थे जिनको एक आध दिन में जाना था, और बच्चे कम होते हैं तो थोड़ा क्लोजनेस हो जाती है। एक दिन वो लड़का जो है रात को है ना हमारे कमरे पे पहुंचा, बहुत कांपता हुआ, बोला मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ कर सकते हो सहयोग क्या? तो ऑल दो मेरा टिकट था अगले दिन का, मैं रुक गया, उसका जो भी दवा कराना था और जो भी देख रेख करनी थी करके, तो मैं उसका घर यही पास में है कानपुर से 60 किलोमीटर दूर, उसको घर पहुंचा के फिर वापस जहाँ जाना था चला गया। लेकिन उस प्रक्रिया में हुआ क्या, जब मैं उसके घर गया तो मम्मी पापा भी जान गए, आना जाना होने लगा, खाना पीना ये सब साथ साथ, तो एक तरह से पारिवारिक संबंध जैसे हो गए। मम्मी उसकी कभी इसके लिए कुछ भेजेंगी तो एक डब्बा नहीं दो दो डब्बा भेजेंगी जी। मेरा घर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में है, तो बड़ी छुट्टियों में ही जा पाता था, एक दो दिन की छुट्टी में नहीं, तो अक्सर जो है उस तरह से चलने लगा। बीटेक पूरा हो गया, मैं यही जॉब करने लगा, वो चला गया दिल्ली कुछ तैयारी करने नौकरी की। इसी दौरान जब मैं नौकरी करता था यहाँ, तो जब भी वो घर आता था तो उसका रेलवे स्टेशन दिल्ली कानपुर पड़ता था, तो यही उतरता था, यहाँ से बस से घर जाता था, फिर वापस यही आता था। इस प्रक्रिया में वो कई बार जो है जहां मैं घर रूम लिया था वहां भी आता था, तो मेरे नए दोस्तों से भी उसका परिचय हो गया। घटना ये घटी कि 2007 की बात होगी, शाम के समय हम लोग कहीं वर्कशॉप से ही लौट रहे थे, कहीं रात का वर्कशॉप करके रात को 9 बजे, मैं था कुछ स्टूडेंट मेरे साथ थे, हमारा जो टेम्पो था जिससे आ रहे थे वो GT रोड पे यहाँ ट्रक से हेड ऑन कोलिजन उसका रात में हो गई, और बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ हम लोगों का, बहुत ही चोटें आई हमको, हाथ पैर नाक चमड़ा सब टूट गया था। 2-3 दिन तक तो स्थिति स्पष्ट नहीं थी, बट जो भी मेरे यहाँ कोई बहुत रिलेटिव भी नहीं थे, सारे टीचर स्टूडेंट मेरे को ले गए हॉस्पिटल में, जो भी करना था देख रेख किया। उसी दौरान मेरे एक मित्र है मनीष तिवारी जिनका नाम है, जो मुझे भी जानते हैं सुधीर को भी, वो हॉस्पिटल अक्सर आते रहते थे और देख रेख करते थे। तो एक दिन जब मैं बेड पे लेटा था हॉस्पिटल में, अच्छा एक्सीडेंट के बाद बेड पे लेटे लेटे आदमी कर क्या सकता है सिवाय कल्पनाशीलता देखने के, तो कल्पनाशीलता ही चलती रहती है। तो उन्होंने एक पॉइंट पर कहा
कि सर आपको देखने जितने लोगों को मैं जानता था लगभग सब लोग आ गए, सुधीर आपको देखने नहीं आया। अब वो ये बोल के वो तो चले गए अपने किसी काम से, मेरे बिस्तर पे कल्पनाशीलता में बहुत बड़ा काम छोड़ गए। अब मेरे कल्पनाशीलता में चले कि ये सुधीर आना नहीं चाहता है कि आ नहीं पा रहा है। अब जब भी जाए कि आना नहीं चाहता है तो कैसा हालत होता होगा आप समझ ही सकते हैं। तभी ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसका इसलिए नहीं आ पा रहा हो, या हो सकता है उसको पता ही ना हो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आराम में आ गया कि फिर तो योग्यता की प्रॉब्लम है, चाहने की नहीं। शाम में वो बनी सी फिर लौटे, तो जैसे ही वो दिखे मैंने उनसे पूछा किधर आइए। मैंने पूछा अच्छा बताओ सुधीर को मालूम है मेरा एक्सीडेंट हो गया है? बोले हाँ हाँ, वो तो मैंने उसी रात उनको फोन कर दिया था। अब मैंने कहा कि तो अब उसको पता भी है, तब तो अब संभावना खत्म हो गई योग्यता वाली। चाहना में आ गया तो बढ़ने लगा प्रेशर मेरे ब्लड का रात में। फिर मुझे होता है ना बिस्तर पे लेटे लेटे जब कल्पनाशीलता चलती है तो बहुत सारी कल्पनाएं आती रहती है। तो एक विचार आया कि भाई मतलब उसको पता लग गया नहीं आ पा रहा है, है ना, तो नहीं आ पा रहा है तो उसको बहुत सारे जरूरी काम हो सकते हैं, हो सकता है इसलिए ना आ रहा हूं। तो एक और विचार आया कि भाई मेरे जगह अगर उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया होता तो कौन सा जरूरी काम उसको रोके रहता। ये भी है सही। आता नहीं आता? आता ही बिल्कुल आता, क्योंकि जिस तरह से आपने उनकी सहायता की थी उस तरह से हम भाई के तौर पर या एक अच्छे मित्र के तौर पर उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आना ही चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई आदमी ठीक नहीं आ नहीं रहा, मतलब ये तो बस ऐसे ही आदमी है ना, ऐसे आदमी के साथ संबंध रख के भी क्या फायदा जो इतने बुरे वक्त में भी ना आए। तो मुझे लगता था मैं इससे साथ संबंध छोड़ दूंगा, दोस्ती छोड़ दूंगा, क्या ऐसे झेलने जलाने का क्या मतलब है। तभी एक विचार और आया मन में कि इसके बड़े भाई ने बचपन से लेके आज तक इसके लिए क्या, इसके जो भी भाई हैं उन लोगों ने इसके लिए आज तक क्या क्या किया होगा और मैंने क्या किया है, क्या वो दोनों बराबर है या भाइयों ने बहुत ज्यादा किया होगा और मैंने बहुत थोड़ा किया होगा, क्या अंतर होगा। हाँ, ये भी बराबर तो नहीं किया, मैंने छोटा सा एक सहयोग कर दिया, भाइयों ने इतना सारा किया होगा और मैं अपेक्षा वैसी लगा रहा हूं। अब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, मेरे अपेक्षा की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सब नियम पढ़ लेने के बाद ये सब विश्लेषण और होने लगते हैं। जी। तो जैसे लगा कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम तो मेरी है उसकी नहीं, तब तक एक और विचार आ गया कि मैं कौन सा भाई की तरह अपेक्षा लगा रहा हूँ कि आओ रात दिन यही रहो, मेरा लैट्रिन फेंको, मेरी सफाई करो और पूरा सेवा करो, ये तो अपेक्षा है नहीं। इतनी तो अपेक्षा है दिल्ली से रात को ट्रेन पकड़ो सुबह कानपुर, यहाँ देख लो तुम्हारा अपना शहर है लोकल, है ना, इलाज ठीक चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर ठीक है कि नहीं, कुछ तुम्हारे संपर्क हो तो परिचय करा दो, चले जाओ रात की ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली। एक ही दिन की तो अपेक्षा है और कोई थोड़ी अपेक्षा करता है सब आके रात दिन साथ रहे, इतना भी नहीं कर सकते तो क्या संबंध है। ऑलमोस्ट मुझे लगने लगा कि ऐसे लोगों के साथ संबंध को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तभी मुझे ध्यान आया जब 95-96 में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, उस समय तो सीटें कम होती थी इंजीनियरिंग में, बहुत दो दो साल तैयारी करनी पड़ती थी कोचिंग में। तो जब एग्जाम पास आते थे तो मैं मम्मी से बोल देता था कि कोई मिलने आए तो मना कर देना, कह देना घर में हूं नहीं, सप्ताह 10 दिन बाद एग्जाम है। तब मुझे ध्यान आया उसकी भी तो यही स्थिति है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लगी है, अभी अपनी प्रक्रिया में लगा होगा, उसका एक दबाव होगा। आज तो मैं समझ संबंध सुविधा से गुजर गया हूँ तो दुनिया भर की बातें सुन रहा हूँ, वो तो अभी सुविधा में ही अटका पड़ा है। तो खैर अपना जो है थोड़ा प्रेशर कम हुआ और मैंने सोचा कि मैं संबंध को सस्टेन करूंगा एक प्रयोग के तौर पर, देखते हैं क्या होगा। खैर वो आया, मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया, फिर वो लौट के कभी मिलने आया तो दुनिया भर की अपनी समस्याएं बताया, सुन भी लिया और बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ हो गया, चलता रहा। कभी कभी परिवार में ऐसे क्षण भी आते हैं कि बहुत सारी दुर्घटना एक साथ होती है, हमारे परिवार के भी वैसे ही दिन हो गए। लगभग मेरे एक्सीडेंट के 8-9 महीने बाद ही मेरे मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ, सेंट्रल डैमेज हुआ लगभग, है ना, एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया उनका। तो उस समय हम लोग उत्तराखंड में रहने वाले थे, तो मैं कानपुर में जॉब करता था, मेरा छोटा भाई गुड़गांव में जॉब करता था और उससे छोटा भाई पढ़ रहा था वहां से 250 किलोमीटर दूर घर से। घर में मम्मी पापा अकेले थे, खैर हम लोग भागे, फिर वहां से उसको हल्द्वानी में रखे, फिर बरेली एक शहर है वहां लेके गए और इलाज चलता रहा। समस्या ये हो गई थी कि हम तीनों ही भाई ऐसी जगह थे कि लंबे समय पापा के साथ नहीं रह सकते और ब्रेन हेमरेज के केस में तो महीनों इलाज चलता है, तो पापा परेशान होते थे। तो हम लोग 15-15 दिन का शिफ्ट लेना, एक जाए दूसरा ऐसा पेरिस कर रहे थे। सुधीर को तो मैंने बताया भी नहीं ये दुर्घटना, उसको किसी और के थ्रू कहीं से पता लगा और वो
मेरे से एड्रेस लिया, पता नहीं किससे लिया, मुझे वो भी याद नहीं, बरेली पहुंच गया और पूरे समय बना रहा। उसी ने सजेस्ट किया कि इनको कानपुर लेके चलते हैं, वहां ऐसा ऐसा परिचय है। फिर लेके कानपुर आए, पूरे समय बना रहा। उसकी ज्वाइनिंग की डेट आई थी 2 महीने की, उसके पास गया था, पूरे समय वो बना रहा। और मैं तो कॉलेज चला आता था, लेकिन वो जो है मम्मी के पास बना रहता था। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो आते थे वो बोलते थे कि इनके बेटे तो 3-3 है, लेकिन तीनों से अधिक जो इस समय ध्यान दे पा रहा है वो तो ये दे पा रहा है। अब जब मैं दोनों घटनाओं को जोड़ के उस समय देखता था ना, कि उस समय मेरी कल्पना में क्या चला था, आज क्या हो रहा है। मतलब अगस्त का महीना था, बरसात के दिन थे, बुखार लग जाता था उसको। वो गोली खा खा के, वो जब पेशेंट आईसीयू में रहता है ना, तो वो बाहर लॉबी में चटाई बिछा के ही लोग पड़े रहते, वही वाले दिन थे, वो सब काटता था। अब जब मैं दोनों घटनाओं को जोड़ के देखता था उस समय बैठ कर, तो लगता था कि अगर मैंने थोड़ा भी होश पूर्वक विश्लेषण नहीं किया होता तो ये संबंध तो गवा दिया था। बिल्कुल। फिर विचार वही नहीं रुकता था, बहुत पीछे तक फैलता था, ऐसे कितने संबंध मैंने जिंदगी में गवाए होंगे व्यर्थ में चाहनाओं पे शंका कर करके कर करके कर करके। बहुत सारा काउंटर चला अपने विचारों, लिस्ट लंबी हो गई कि इतने दोस्त दिखने लगे जिनको कि हमने बात ही बंद कर दी है, बात भी करते हैं तो अनबने ढंग से, कोई अपेक्षा को किनारे करके। फिर धीरे से अपने उनकी लिस्ट बनाई, उनको फोन करना शुरू किया, उनसे चर्चा करना शुरू किया, उसमें से बहुत सारे संबंध रिवाइव हो गए, बहुत सारे संबंध नहीं भी रिवाइव हो पाए। तो पिछले रिवाइव हो ना हो, कम से कम आगे तो सावधानी से इस विश्लेषण को कर सकते हैं। किसी भी संबंध को ड्रॉप करने से पहले 1000 बार विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि समस्या योग्यता की है या समस्या चाहना की है। व्यर्थ में अगर चाहनाओं पर शंका कर करके एक एक दो दो लोगों को ऐसे ही जिंदगी से हर साल काटते रहेंगे, अंत में अकेले ही बचेंगे। फिर सारे सुख को, सारे दुख को, जो भी समस्या है, कहां झेलेंगे हम। सही है, फिर मोबाइल पर सोशल मीडिया पे जिएंगे। उन्होंने समझ, सुविधा और संबंध को जिस ढंग से समझ लिया था शायद वो घटना के पहले, तो आपके पास इतना मतलब सूक्ष्म निरीक्षण करने का समझ थी, आपने इतना विवेक था, तो आपने कर पाया। अदरवाइज आपके स्थान पर और भी ऐसे कई और भी कई ऐसे होते जिन्होंने नहीं समझा होता, तो मुझे लगता कि उन्होंने संबंध तो खो दिया होता। अगर मैं भी उस जगह पे होता तो संबंध खो चुका होता मैं। और हमने लिस्ट बना के देखी हम इससे पहले कितने खो चुके थे। बिल्कुल सही कहा। तो जिंदगी खोने का नाम है कि जोड़ने का नाम है, तय करने का। चाहना और योग्यता स्पष्ट हो जाए तो जिंदगी सिर्फ जोड़ने का नाम बनती है, खोने का नाम या तोड़ने का नाम नहीं बनती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी योग्यता बहुत कम होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो कोई बहुत योग्य लोग मिलेंगे, कोई कम योग्य लोग मिलेंगे। तो अगर चाहना स्पष्ट है तो जिसकी योग्यता ज्यादा है उसके साथ कोई बड़ा प्रोग्राम बना लेंगे, जिसकी योग्यता थोड़ी कम है उसके साथ छोटा बना लेंगे, जिसकी योग्यता बहुत कम है उससे बहुत छोटा प्रोग्राम बना लेंगे। तो जो जीने का कार्यक्रम होगा जैसी जिसकी योग्यता होगी वैसा बनाएंगे। तो किसी के साथ नमस्ते कर लेंगे, किसी के साथ खाना भी खा लेंगे, किसी के साथ कुछ कार्यक्रम भी चला लेंगे, है ना। तो कार्यक्रम का वेरिएशन उसके विड्थ और लेंथ की, वो हम योग्यताओं जिसकी कम होगी छोटा बनाएंगे, ज्यादा होगी बड़ा बना लेंगे, वो वेरिएशन हो सकता है, है ना। तो वो वेरिएशन तो होता रहेगा समय समय के साथ। आज किसी की योग्यता कम लग रही है, 2 साल बाद हो सकता है बड़ी हुई लगे, तो बड़ा कार्यक्रम बना लेंगे। आज हमने किसी की योग्यता के बारे अनुमान लगाया कि ज्यादा होगा, कम निकली, तो कार्यक्रम छोटा कर लेंगे। वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक बार स्पष्ट हो जाए कि चाहना तो सुखी होकर सुखी करने की है, मेरी भी और दूसरे की भी, तो परिवार का एक अलग ही रूप दिखाई देता है, अलग ही तरह से संबंध चलने लगते हैं। आप सब लोग इसका विश्लेषण करें। ब्रेक के बाद जब आप लोग लौटेंगे 2 बजे, तो इनके जो प्रश्न बात पूछनी थी आपसे, आज सुबह से अब तक बात ही नहीं हो पाई आपसे। हाँ भैया ना, 1 बज गया है और लोगों के लंच का थोड़ा समय हो रहा है, तो हम लोग अगले सत्र में आपकी बात से ही शुरू कर लेंगे महेंद्र भैया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप लोग इस पर विचार करें, भोजन करें, लौट के फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, कुछ कहना चाहते हैं बताइए। हाँ जी जी, बस यही सुन रहा था थोड़ा सा। तो मुझे तो एक चीज घटना आ रही है पहले याद की। एक हमारे यहाँ काम करते थे,
उसको मैंने 3,500 रुपए दिया था, आज से 12-14 साल पहले की बात है। अब वो जब लौटाने की इच्छा में नहीं हुआ, अब कुछ बात भी उठपटांग करने लगा, तो यहाँ तक कि अपन ने हाथ भी उठा दिया था। लेकिन अभी की वर्तमान की स्थिति जो हो गई है, थोड़ा सा ये जो पैसे का लेके जो चला, ये हमारे भांजे हैं, भांजे को मैंने 4 साल पहले 1,00,000 रुपए दिया और काफी दिक्कत में थे, ऐसी दिक्कत में थे कि लोग उनको घर में भी मारने ओरने आ गए थे, किसी से ले लिए थे प्याज में। अब वो पैसा की रिटर्निंग कुल मिला के मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% नहीं होनी है। अच्छा, अब आपन अगर उस हिसाब से लेना चाहें तो फिर वही आड़े आता संबंध। अब चूंकि जब से अल्प विराम में आए तो लगता है कि हो सकता है कि मतलब मन में जब बीच बीच में तो आता रहता है महीना दो महीने में, ये बताइए इतना लंबा पैसा और सक्षम भी है देने के, मतलब कुल मिला के कहने का पर्पज ये कि जो अभी चर्चा चल रही थी, तो जो सक्षम नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन जो सक्षम है और फिर भी देने को तैयार नहीं, और आपन उस संबंध खराब ना हो, इसलिए अब एक मन में खाली जब आता है विचार तो यह हो जाता है कि चलिए हो सकता है कि किसी जन्म में इनका कर्जा लिए रहे हो, तो हो सकता है चुकता हो गया इस जन्म में। मन को शांत करते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में अभी बात फिट है कि आज हमको 5 साल हो गया अल्प विराम से जुड़े हुए, और आपका भी 17 अप्रैल से ही फर्स्ट बैच में भी ज्वाइन किया था, सेकंड बैच में भी रहा, अभी जो फिजिकल हुआ था उसमें भी रहा। ये करने के बाद भी बीच बीच में महीना दो महीने में कहीं ना कहीं वो चीज पंच तो करती है, लेकिन उसके बावजूद फिर जब थोड़ा सा वो सोचते हैं तो लगता है कि नहीं। घर में भी जैसे कुछ बातें आ जाती हैं कि बताइए इतना इतना पैसा और एक साथ दे दिए, तो अब घर में फिर संतोष के लिए ही कहते हैं कि हो सकता है किसी जन्म में आपन ने लिया हो, तो उसको चुकता कर दिया। अब चूंकि बात बढ़े, संबंध बिगड़े, बहन का आना जाना बंद हो, बहन भाई का आना जाना बंद हो, उससे बेटर है चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो पंच करती है, वो निकलती नहीं है, 2-4-6 महीने में एक बार रिपीट हो ही जाती है, तो ये चीजें आती हैं। वह तो अपन संबंध को भी लेके जीना बहुत मुश्किल चीज है मुझे लगता है। भी मुश्किल तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये लगता है ना, इसमें आगे भी और चर्चा होगी, अभी जब अगले भाव पे आएंगे ना तो वहां भी बात होगी। जी, तो मुझे यही लगता है ना कि जब भी हमने उनको पैसा दिया, कोई भी सहयोग किया ना, तो उस वक्त हमारा भाव तो सहयोग करने का ही है ना, और आज भी भाव सहयोग के साथ, संबंध के साथ जीने का ही है, तो भाव रूप में हमारे अंदर ठीक ठीक बना रहे। वो हाथ उठाने वाली जो चीज थी, व्यवहार तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ था, क्योंकि उससे कोई परिणाम तो निकला नहीं। उससे कोई परिणाम तो निकला नहीं, तो हमारे करते हो, हाँ हाँ, मन से हमारे पूर्णतः निकल जाए, वो आए ही नहीं विचार उसके लिए थोड़ा सा। नहीं, इसकी पूरी प्रक्रिया है। पहला तो उस व्यक्ति को जब आपने पैसा दिया ना भैया, तब भी उसकी योग्यता का ठीक ठीक आकलन कर नहीं पाए, वो वापस करेगा कि नहीं करेगा, ये तो व्यक्ति की योग्यता की बात है ना, तो सामने वाले की योग्यता का भी ठीक ठीक आकलन उस समय नहीं हो पाया। अच्छा, अभी तो मुझे लगता है कि अगर हमने देख लिया कि एक बार ऐसा वो नहीं कर पाए, तो मतलब पैसों का सदुपयोग करना और समृद्धि के भाव की समझ तो उनमें नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम योग्यता का आकलन करते तो फिर हमारे जो संबंध थे वो गड़बड़ा रहे थे। वो गड़बड़ा रहे थे, बात बिल्कुल सही है। भांजे है ना, भांजा वाला रिश्ता जो है थोड़ा और क्रिटिकल है। अगर हम वहाँ पर योग्यता को देखेंगे तो हमारे संबंध में बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल स्थिति आ रही है, कि हमारे संबंध ही बिगड़ जाएंगे तुरंत ही। पैसे वाली बात है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि पैसा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे संबंध ना बिगड़े। बस भानु भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो भैया इस पे अपनी बात को रखेंगे। पूर्ण चर्चा को सुन रहा हूँ। देखेंगे ना, तो हम सब जो है ना, बात तो महत्वपूर्ण है कि बात संबंध की कर रहे हैं, लेकिन वो बने रहे या बिगड़ जाएंगे उसका आधार तो सुविधा ही देख रहे हैं। बिल्कुल जबकि संबंध बने रहने की निर्भरता तो समझ पे है ना। जी। अभी हमारी जो समस्या है कि हम थोड़े संबंध के प्रति सेंसिटिव ज्यादा हो गए हैं, हो सकता है दूसरों की तुलना में, लेकिन अभी भी जो गोला है हमारा ना, वो इतना ही चल रहा है। जो भी कोई वास्तविकता है,
और संबंध वास्तव में जो सजेगा, जो चलेगा अनकंडीशनल, वो तो इसके आधार पर। तो हम संबंधी का बहुत सारा सहयोग विपत्ति काल में करना भी चाहते हैं सुविधा से, है ना, लेकिन संबंधी को समझ का भी सहयोग आवश्यक है। दो तरह के समझ का सहयोग, एक तो सुविधा के सदुपयोग का और आवश्यक सुविधा जुटाने का, जो हुनर सिखाना है, है ना, तकनीक सिखाना है कि भाई और कमा सके अपनी आवश्यकता से अधिक। अभी होता क्या है ना कि जो समझ की बात है ना, सुविधा की आवश्यकता को पहचानना, पूर्वक जीना, ये सब विपत्ति काल में तो बहुत ठीक से हो नहीं पाता है। अब कोई भूख से मर रहा है, कोई क्राइसिस में है, सम्मान क्राइसिस में है, जीवन क्राइसिस में है किसी का, उस समय हम आप बैठ के उसको समझाने लग जाए तब तो वो बहुत समझ नहीं पाता उस समय। भाई भूख खत्म हो पहले, तब तो बात करें आगे। तो उस समय तो चलिए हमने कुछ धन दे दिया, कुछ सुविधा दे दिया, बेचारा क्राइसिस से निकल आया। लेकिन अगर उसके बाद समझ पे काम नहीं कर रहे हैं उसके, या उससे पहले नहीं किया, तो वापस फिर उसी क्राइसिस में फंसेगा, और जो थोड़ा संबंध में उसको सेंसिटिव दिखेगा उसी के कंधे पे सर रख के रोएगा कि भैया सुविधा में फिर फंस गया। जो पहले ही लात चला रहा है उसके पास थोड़े जाएगा। हमारी समस्या क्या थी, हम थोड़े समय तो सेंसिटिव रहे लेकिन उसके बाद जो काम किया जाना था वो हम कर नहीं पाए, या हमको उसको करने का कुछ उपाय समझ में नहीं आया। तो वो आदमी तो वहीं के वहीं क्राइसिस, उस बेचारे के गिलास का पेंदी तो लगा ही नहीं ना, उसका पेंदी तो टूटा का टूटा ही रहा। अब पहले अकेले भर रहा था, नहीं भर पा रहा था, एकदम क्राइसिस में था, थोड़ा आपने डाल दिया तो थोड़ा उसको ब्रीदिंग आई, लेकिन पेंदी टूटा हुआ है तो वो फिर लीक कर गया सब मामला। तो मान ले कि पेंदी टूटी हुई है तो बह गया। बल्कि अगर ठीक से समझ पे काम हो जाए और पेंदी लग जाए ना, अब दूसरे की पेंदी अपन कैसे लगाएं सर, ये समस्या हो जाती है पर। देखिए तो अगर आप पेंदी नहीं लगा सकते तो उसका पेंदी लगने की कुछ व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। पेंदी लगने की व्यवस्था होते ही संबंध गड़बड़ हो जाएंगे। मान लिया अभी देखेंगे ना, तो ये जो मान लिया है कि संबंध तो ऑलरेडी गड़बड़ है। जी जी नहीं, अभी संबंध अच्छे बल्कि अभी हम उसमें ये संभावना देख रहे हैं कि अभी संभावना है कि सुविधा रिटर्न आ जाए हमारी। अच्छा, सुविधा रिटर्न ना आए लेकिन संबंध बना रहे कहीं ना कहीं, ये तो दिख रहा है। संबंध अगर बना रहेगा, संबंध बने रहने का, संबंध बने रहने का जो उपाय है ना, संबंधी के प्रति जो जिम्मेदारी है वो मात्र सुविधा की है, तीनों की है, तीनों की है। तो अगर वास्तव में संबंध को हम जिम्मेदारी से देख रहे हैं तो तीनों के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये बात ठीक है कि लोग सुविधा में सहयोग लेने को बहुत जल्दी तत्पर हो जाते हैं क्योंकि चेतना उनकी वहीं पर काम कर रही है, लेकिन समझ की उनको आवश्यकता है, समझ के अभाव में वो क्राइसिस में फंस गए हैं, इस बात का भास आभास दिलाना ये समझ के तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी है ना। फिर धीरे धीरे उसकी आवश्यकता स्पष्ट होना, उसके लिए उसके मानस को तैयार करना, उसका तैयार होना, तब जाकर के ठीक से संबंधी के प्रति जिम्मेदारी निभ पाती है, तो मांगने वालों की जगह एक दिन देने वाला बन पाता है ना। अन्यथा तो देखिए वैसे ही चलता है जैसे आप लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। जी भैया, कहीं लूप में आप फंस गए, कहीं दूसरा फंस गया, ऐसे ही चलता रहता है। जी भानु भैया, थोड़ा मुझे विश्वास पे आपसे पूछना था। जी हम कह रहे हैं कि विश्वास 100% होता है, कंप्लीटली होता है या तो नहीं होता, लेकिन कई बार जब बात होती है तो सामने वाले बोलते हैं मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते, तो ये जो कंफ्लिक्ट होता है इससे कैसे बचा जाए सर? वही तो मतलब जो चीज हो ही नहीं उसकी कल्पना कर करके आप
दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो कि ऐसा हो जाता है या बहुत दुखी हो रहे हो या, तो कहीं ना कहीं भाव उसकी तरफ से तो केयरिंग का ही रहता है, लेकिन इस चीज को कैसे समझाएं कि यदि आपको भरोसा है, विश्वास है, तो पूरा कीजिए, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए। दो बातों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, दो अलग अलग बातों को। अभी भैया लोग भी जो चर्चा कर रहे थे उसमें वो मिक्स हो रहा था। हाँ, आपसे भी जो बात है ना उसमें दो बातें मिक्स हो रही है, मिक्स हो रही है, राइट। एक तो विश्वास और एक है भरोसा। भरोसा, राइट सर। भरोसा में सौ ये वाला बनेगा क्या दीदी? चलिए यही बनेगा ना, चलिए आप लोग ठीक बना लीजिएगा। तो विश्वास और भरोसा को देखे ना, तो विश्वास का मतलब है कि हमको दूसरे के चाहने पर विश्वास है। हाँ सर। वो ना चाहता है हमको भी सुखी करना चाहता है। हाँ बिल्कुल सर, है ना। अब जब भरोसा की बात करेंगे ना, तो सामने वाले की हम योग्यता का कुछ अनुमान लगाते हैं कि क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, इसके योग्यता की क्या हालत है जी। तो हमको एक अनुमान लगता है कि इतना ये कर पाएगा, तो एक तरह से हमने उसकी योग्यता पे कुछ भरोसा किया। योग्यता पूरा हुआ तो वो कर पाता है, नहीं पूरा हुआ तो कर पाता है, है ना। लेकिन विश्वास को देखेंगे तो विश्वास तो एक तरह से हर व्यक्ति को देखेंगे तो सुखी होना चाहता है, सुखी होकर सुखी करना ही चाहता है। बिल्कुल सर। योग्यता किसी की हो सकती है उसको करने की, किसी की नहीं। हम उसके साथ कोई अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इसकी योग्यता ठीक होगी, ये सुविधा का सदुपयोग करेगा, हमारे वक्त पे लगाएगा, तो ये हम उसकी जो योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी योग्यता पे एक भरोसा कर रहे हैं। अगर उसकी योग्यता नहीं हुई तो भरोसा टूट जाता है, टूट जाता है, राइट सर। तो वो योग्यता वाला भाग टूट रहा है, जबकि वो आदमी देखेंगे तो वो सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है ना। भरोसा और विश्वास को थोड़ा अलग अलग करके समझेंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी। जी भैया जी जी। तो भैया लोग के केस में भी जो बातचीत चल रही थी पैसे वाला ना, वो भरोसे का मामला था जी। जबकि उस आदमी से उनको देखना पड़ेगी वहां पर ना, और जबकि उस आदमी को देखेंगे तो वो भी सुखी होना चाहता है, सुखी होकर सुखी करना चाहता है, उसकी भी चाहना हमारे आप जैसी ही है। योग्यता उसकी अटक गई है कि सारा सुख सुविधा से ही चाहता है और बिना श्रम किए सुविधा मिल जाए उससे चाहता है, फंस गया है उसकी योग्यता का लेवल, है ना। तब ये भरोसे का मामला है। तो या तो हम पहले ही से जांच कर सजग हो जाए, या अपने कमाई का कुछ परसेंट रख लें कि ऐसे दान करते जाएंगे, लौटा तो ठीक है, नहीं लौटा तो ठीक है। हमने तो यही मान लिया कि दे दिया दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। तो या तो लगा लेंगे, नहीं तो ठीक ठीक मिल जाए। सोचिए ना, जैसे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का चाहना सुखी होकर सुखी करने का है। अब हम में से कुछ लोग ट्रेन से निकल पड़े और सीट पे सामान रख के घूमने चल दे, देखे दुनिया कैसी है, और लौट के आए सामान गायब। तो चिल्लाना शुरू करेंगे कि ये जो है आनंद संस्थान वाले और ये यूएचबी वाले लोगों ने बरगला दिया, हम पहले ही कहते थे। क्लेम भेजने लगे आप लोग हम लोग के पास, तो हम लोग तो मुश्किल में फंस जाएंगे। वास्तविकता क्या थी कि हमको भले दूसरे की चाहना पर विश्वास है कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, फिर भी जो जीने का कार्यक्रम है वो दूसरे की योग्यता के आकलन के आधार पे ही बनेगा। बिल्कुल सर। योग्यता हमने ठीक से आकलन नहीं की है तो सजग होके कार्यक्रम बनाएंगे। बिल्कुल सर, ये क्लियर हुआ सर। ये जो भरोसा होता है ना, जब हम योग्यता ठीक ठीक नहीं आंक पाते और दूसरा उस पर खरा नहीं उतरता, वहां भरोसा टूटता है, है ना। तो योग्यता का आकलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और उसमें भी है ना, अगर हम ठीक से योग्यता पहली बार में नहीं आंक पा रहे हैं तो थोड़ा सजग होके छोटा कार्यक्रम बनाते हैं, उस पे खरा उतर गया तो थोड़ा अपनी आकलन को बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, आधा घंटा बैठे, एक घंटा बैठे, आठ लोग बैठे हैं उस कंपार्टमेंट में, अब आप अकेले हैं, आपको वॉशरूम जाना है, तो आप आठों के तरफ एक मूल्यांकन की दृष्टि देखते हैं कि किससे कह के जाए कि भाई ये सामान है, देखते रहना मैं। हाँ बिल्कुल सर, मूल्यांकन तो करते हैं ना। करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। ले लोग हैं, ये सब हैं, तो आप सामान्य तो उनको बोल के चले जाते हैं,
है ना, कोई अकेला बैठा है तो उससे थोड़ा संकोच करते हैं कि भाई उठ के इधर से उधर चल दिया, हमारा सामान लेके कौन उसका जिम्मेदार होगा। अब आकलन अजनबियों के साथ भी जरूरी है और जिनके साथ रोजमर्रा की जिंदगी है उनके साथ भी जरूरी है ना। और ये आकलन समय के साथ बदलता रहता है। आज जिसकी योग्यता कम नहीं कम हो, जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद उसकी योग्यता वैसी ही रहेगी, कम भी हो सकती, किसी मुद्दे पे कम ज्यादा हो सकती है, किसी मुद्दे पे बढ़ भी सकती है ना। योग्यता का आकलन ठीक ठीक करने का अभ्यास करना आवश्यक है। और मुझे लगता है सर संबंधों में ये आकलन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल करना जरूरी है। और ये आकलन सिर्फ सुविधा के मामले में नहीं, व्यवहार के मामले में, व्यवहार के मामले में बिल्कुल, व्यवहार के मामले में भी, कार्य के मामले में भी, सुविधा के मामले में भी है ना, समझ की स्पष्टता के मामले में भी, कल्पनाशीलता के मामले में भी है ना। को देख के पता लगता है, जैसे हम लोग जब वर्कशॉप चलाते हैं ना तो वर्कशॉप हॉल के बाहर लोगों ने चप्पले कैसे रखी हुई है उसको देख के पता लग जाता है कि इस वर्कशॉप में कितने गंभीर लोग बैठे हैं, है ना। तो आकलन होता ही, आदमी के साथ आप बैठिए जिस जिम्मेदारी से वो भोजन कर रहा है ना, कितना प्लेट में तितर बितर कर दे रहा है, कितना वो सजगता से खा रहा है, उससे पता लगता है वो आदमी कितना जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, मतलब ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनसे हम अपने अनुमान हमारा पॉइंटर आप अपने बनाते ही हैं। हर व्यक्ति अपना एक पॉइंटर बनाता ही है, है ना। आप भी तो मूल्यांकन करते ही हैं लोगों का ना, करते ही हैं बिल्कुल, लेकिन उसको और सजगता से करने की आवश्यकता तो है। तो हम लोगों के चाहना पर विश्वास करने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना योग्यता को जांचे आंख बंद के कार्यक्रम बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो धोखे खाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कार्यक्रम तो योग्यता को पहचान कर उसी आधार पर बनेगा, जब तक नहीं पहचाने हैं तब तक सजग होके बनाएंगे, है ना। और एक बार योग्यता ठीक ठीक आकलन हो जाता है तो कार्यक्रम चलता रहता है बढ़िया से, है ना जी। ठीक, तो थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं जी सर। बिल्कुल, तो धीरे धीरे देखेंगे। तो एक बार जब ये बात स्पष्ट हो जाती है ना कि जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी होना चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी होकर सुखी होना चाहता है ना, जिस तरह से मेरी योग्यता भी कमी होती है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, उस तरह से दूसरे की योग्यता में भी कमी होती है तो वो नहीं कर पाता, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है वास्तव में जाकर के टिक मार्क में बदल जाता है। वो फिर टिक मार्क में बदल पाता है ऐसे। तो जब हम अब चाहना का ठीक ठीक स्पष्ट अलग से आकलन करते हैं तो जिस तरह से मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूं, हमको स्पष्ट हो पाता है कि दूसरा भी सुखी होकर सुखी ही करना चाहता है। तो ये चारों क्वेश्चन पे टिक मार्क लग पाता है, परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, फिर धीरे धीरे ऑफिस में 2-4 लोगों के साथ, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो दुनिया के एक एक आदमी के साथ ये जांच होती चली जाती है। समय लगता है, 2-4-6 साल ऐसे समय लगता है ना। घर में भी लोगों की योग्यता कम, किसी की कम होगी मेरे से, किसी की ज्यादा होगी, बाहर भी किसी की योग्यता मुझसे कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, है ना। हम लोग अक्सर बचपन में सुनते आए हैं कि ये कहा जाता है कि जिसका जो अपने से अधिक योग्य है उससे दोस्ती करो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप इस नियम से चलेंगे ना, दुनिया अगर इस नियम से चलेगी तो किसी की दोस्ती नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, क्योंकि आप जिससे अधिक योग्य वाले को ढूंढ के दोस्ती करना चाहते हैं उसके घर वाले भी उससे यही कहे होंगे, तो वो भी आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, किसी और से होगा, वो किसी और से होगा, दोस्ती होगी नहीं। वास्तविकता क्या है, हम सबकी जिंदगी में दोनों ही तरह के लोग मिलने ही वाले हैं, एक वो जिनकी योग्यता हमसे अधिक होगी और एक वो जिनकी योग्यता हमसे कम होगी। उन तरह के लोगों के साथ जीने की तत्परता, हाँ, कार्यक्रम जिनकी योग्यता है उनके साथ बड़ा बनाएंगे, जिनकी योग्यता कम है उसके साथ छोटा बनाएंगे, छोटे समय का बनाएंगे, सजग होके बनाएंगे, ये सब वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी में हमारे ये चाहे कि सिर्फ हमको अपने से अधिक योग्यता वाले ही लोग मिले, ये तो बहुत संभव नहीं है ना। तो हमको तो अपनी तैयारी दोनों ही तरह, जो कम वाले भी हैं और अधिक वाले हैं, दोनों के साथ ही जीने की तैयारी करनी ही पड़ेगी, परिवार में भी, परिवार के बाहर भी। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल,
इतनी बात विश्वास के बारे करनी थी। एक बार जब इतनी स्पष्टता हो जाती है ना, तो फिर ये जो पहले हम लोग गिलास के बारे बात कर रहे थे ना कि हमसे टूटा तो कुछ और बोलते हैं, दूसरे से टूटा तो कुछ और बोलते हैं, अब जब दोनों से टूटता है तो हमको स्पष्ट रहता है कि गिलास तो दुर्घटनावश ही टूट गया है, तोड़ा किसी ने नहीं है, न मैंने न दूसरे ने। और ये बात जब स्पष्ट होती है तो यदि दूसरा 100 बार भी उस गलती को करता है जिस तरह से मैं 100 बार कर रहा हूं, तब भी मुझे उसकी चाहना के बारे स्पष्टता रहती है कि ये चाह करके नहीं तोड़ रहा, कहीं ना कहीं इसकी योग्यता की प्रॉब्लम है, है ना? और मैं जानता हूं कि उसकी योग्यता की कमी के कारण गलती हो रही है, ना कि उसके चाहना के कारण, तो मैं स्नेह के भाव से उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता हूं। और यदि मुझसे एक बार भी कोई गलती होती है तब भी मुझे स्पष्ट रहता है, है ना, कि ये गलती मेरी जो हुई है चाहे मुझसे एक ही बार हुई है उसमें मेरी चाहना तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं कमी मेरे योग्यता में भी है, इसलिए मुझसे ये गलती हो रही है, अतः मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ, उसके लिए दूसरों से समझने और सीखने को तैयार रहता हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानता हूँ कि दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है, मेरे समझाने में भी कठिनाई हो सकती है, अगर मैं दूसरे को समझाने जा रहा हूँ ना तो ये दोनों संभावनाएं रहती हैं कि उसके समझने में भी कठिनाई हो सकती है और मेरे समझाने में भी, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, है ना? अब देखते हैं तो संबंध थोड़ा अलग दिखता है और एक बार चाहने पर विश्वास स्पष्ट हो जाता है तब जाकर वास्तव में हम एक दूसरे के परस्पर विकास की में सहयोग की शुरुआत कर पाते हैं। जब तक दूसरे के चाहने पर शंका रहती है तब तक एक दूसरे के साथ परस्पर विकास की शुरुआत नहीं हो पाती, है ना? इतनी बात विश्वास के बारे आप लोगों से करनी थी, है ना? चाहना पर विश्वास के साथ मैं दूसरे से अपने संबंध को निरंतरता में महसूस कर पाता हूं, है ना? जब मैं दूसरे के साथ जीने का कार्यक्रम बनाता हूं तो मैं उसकी और अपनी दोनों की योग्यता का आकलन करता हूं और हमारी जैसी भी परस्पर योग्यता है कम ज्यादा उन योग्यताओं के आधार पर ही कार्यक्रम बनाता हूं। मैं निरंतर अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए समझने और सीखने का प्रयास करता रहता हूं। यदि दूसरे की योग्यता में कमी है तो मैं निष्ठापूर्वक बिना खीज और चिढ़ के उसकी योग्यता को बढ़ाने में उसकी मदद करता हूं। तो इतनी बात हुई है। आज का जो गृह कार्य होगा आप सभी के लिए, आप स्क्रीन पे ये 8 प्रश्न देख रहे होंगे, तो इसको आप लोगों से साझा भी कर दिया जाएगा। तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, एक आप हो गए, है ना, पति पत्नी, है ना, बच्चे, मम्मी पापा, जितने भी सदस्य अन्य हैं, उन सबके साथ आज चर्चा 8 प्रश्नों पे। इसमें आप पहले व्यक्ति होंगे, एक बार इनके साथ चर्चा करेंगे तो ये दूसरे होंगे, फिर इनके साथ करेंगे तो ये दूसरे होंगे, फिर ये दूसरे, फिर ये दूसरे, या सब एक साथ बैठकर चर्चा करना संभव हो तो एक साथ कर लें और देखें इन प्रश्नों का उत्तर क्या आता है। और अगर इस पर शंका आ रहा है तो चर्चा करें कि ये शंका वास्तव में चाहने की है या योग्यता की है, और इसको चर्चा को करें आज घर में सबके साथ। और कल सुबह जब 9 बजे सत्र शुरू होता है तो आप अपने जो भी अनुभव आपके इसमें आते हैं उसको साझा करें। ठीक रहेगा ये अभ्यास? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, बढ़िया। अभी मैं कक्षा 8 के बच्चों का वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, परसों बता रहा था आप लोग को, उन बच्चों ने घर में जाके अपने घर के लोगों से चर्चा की और लौट के जिस तरह के एक्सपीरियंस सुनाए, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस थे उनके तो तो वो तो आपस में चर्चा किए लेकिन परिवार के लोगों का आपस में चर्चा शुरू हो गया इससे। कहीं ना कहीं होता है, वो होता है कि थोड़ी थोड़ी चर्चा चर्चा करते करते बड़ी वो हो जाती धीरे धीरे से। लेकिन ध्यान रहे चर्चा कर रहे हैं, समझाने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं फंस जाएगा मामला। क्योंकि अभी चर्चा करने को तैयार हो जाए यही बड़ी बात है, समझाने लग गए तो फिर तो उनके पास भी समझाने को बहुत है। वो अपनी योग्यता देने लगते हैं। इसलिए जो है चर्चा किया जाए, समझाने का बहुत प्रयास। चर्चा और समझाने में क्या अंतर है? हम प्रस्ताव दे के छोड़ देते हैं, कंक्लूड नहीं करना चाहते,
समझाने में फिर हम सोचते हैं हम कंक्लूड करें, और जो हम कंक्लूड कर रहे हैं वही सब स्वीकार है। अंतर स्पष्ट हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना, चर्चा में हमने प्रस्ताव दे दिया, हमको कुछ लगता है हमने अपना मत बता दिया, बाकी सब लोग अपना मत बताने के लिए और अपना मत जो भी है उसको तय करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। अगर वो हमसे कुछ चाहते हैं तो हम उसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं। ये बात अपने को स्पष्ट रहना आवश्यक है शुरुआती दिनों में, अदरवाइज हमने एक यूएचबी का शिविर कर लिया है, ये भी अपने अहंकार को बहुत बढ़ा देता है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब तक लिस्ट भी बना लिए होंगे कि किसको किसको चाहना और करना का अंतर बताना है। नहीं सर अभी तक नहीं है ना। बताना है वहां तक तो फिर भी ठीक है, समझाना है ये तो और मुश्किल हो गया। मैं आपको बताऊं, हम एक बार ऐसे इस वर्कशॉप को हम लोग पंजाब के बच्चों के साथ कर रहे थे, पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के साथ। तो जब ये वर्कशॉप हम लोग की जो है ना, चार दिन की एक बार थी, फिर अगले बार उसी कॉलेज में आठ दिन की थी। तो वहाँ एक लड़की थी, अर्शप्रीत नाम था उसका। वो जब पहली बार वर्कशॉप की तो उसको ये चाहना और करने का अंतर बहुत स्पष्ट हुआ। इनफैक्ट हॉस्टल में रहती थी तो दोस्तों के साथ इसको थोड़ा अप्लाई की तो बहुत सारा झगड़ा लड़ाई गुस्सा वो सब तो नियंत्रित हो ही गया। तो बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी थी इस बात को लेकर के, क्योंकि उसको ये ध्यान था कि उसके घर में ना जो बाकी सदस्य उनमें अक्सर झगड़ा होता रहता है, वो भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो उसको ये ध्यान में आया कि अगर ये बात चाहना करना कि घर के लोगों को भी स्पष्ट हो जाए ना तो घर में थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, शांति वाला माहौल हो जाए। तो बहुत एक्साइटेड थी कि जब हॉस्टल से छुट्टी होगी तो घर जाऊंगी, जाके ये सब बताऊंगी और घर के माहौल को ठीक करने का प्रयास करूंगी, ऐसा खुश थी वो। उसी दौरान वहां उनके कॉलेज में एसे राइटिंग का कुछ कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें वो पार्टिसिपेट की और पहला प्राइज उसको मिला। तो वो जो कॉफी पीने वाला बड़ा सा ना चीनी मिट्टी का मग आता है ना, कप का बड़ा वर्जन, वो उसको मिला। तो वो जो है कॉफी का मग भी लिए, और जब छुट्टियां हुई तो घर जा रही थी, कॉफी का मग भी साथ में था। तो बताती है कि जब मैं घर जा रही थी तो कप जो कॉफी का मग है वो प्राइज मिला, वो दिखाने का एक्साइटमेंट कम था, लेकिन ये चाहना और करने का जो अंतर स्पष्ट हुआ था, ये समझाने का एक्साइटमेंट बहुत था कि जल्दी से समझाऊं मैं उसको। तो जैसे ही घर पहुंची ना तो ड्राइंग रूम में उसने सारा सामान रखा, बैठक में अपने कॉफी का मग भी रखा, मम्मी किचन में काम कर रही थी किचन में ही चली गई, वहीं शुरू हो गई कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वर्कशॉप हुई, वहाँ संबंध पे बात हुई, चाहना करना होता है विश्वास में, चाहना तो ठीक ही रहता है, समस्या करने में है, देखो ये बात मेरे ध्यान में आ गई है, मुझे गुस्सा नहीं आता, सब ठीक हो गया है, कितना अच्छा है, सब समझ लें तो घर कैसा हो जाए, अपना शुरू हो गया सब। तब तक उसका छोटा भाई बाहर से खेल के आया, ड्रॉइंग रूम में उसने कॉफी का मग देखा, वो उठा के उसकी जांच परख कर रहा होगा अपनी विधि से, तब तक हाथ से स्लिप हुआ और वो कप टूट गया। अब टूटने की आवाज किचन तक गई, वो दौड़ के बाहर आई और देखा कप टूटा पड़ा है, लगी चिल्लाने, तोड़ दिया मेरा कप, तोड़ दिया मेरा कप, करना चाहना में बदल गया। पीछे से उसकी मम्मी निकल के आई किचन से, बोला तेरा चाहना और होने का लेक्चर पूरा हुआ कि अभी बाकी है। अभी ऐसा ही झंझट खड़ा हो जाता है कि जैसे ही आप चाहना करना का लेक्चर देना शुरू करेंगे ना तो दूसरा आदमी की टेस्टिंग आपसे शुरू कर देता है और बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग करता है। अच्छा समझ में आ गया, रुको बताते हैं। तो कई सारे पार्टिसिपेंट बताते हैं कि कई सारे लोग तो ऐसी टेस्टिंग करते हैं कि जानबूझ के कई जगह इरिटेट करने का प्रयास करेंगे, आप टालते रहेंगे, जिस दिन इरिटेट हो गए बस टोपी उतार के रख देंगे, हो गए। तो ये सब गुजरने वाला है जी। राकेश जी और जयप्रकाश जी का भी हैंड रेज है, अगर ये लोग कुछ इस पे कहना चाहते हैं तो एक दो लोगों को सुन के हम लोग अगले भाव पे चर्चा शुरू करेंगे। जी राकेश जी और जयप्रकाश जी नमस्ते। थैंक यू भानु भैया जी। जी भैया बात कर रहे थे कि वो हर व्यक्ति यूनिक रहता है, योग्यता की बात हम कर रहे थे ना। आवाज कम आ रही है जयप्रकाश भैया आपकी। हेलो आवाज आ रही है अभी? अब थोड़ी आई जी। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा कर रहे थे, हमारी जो मित्रता होती है वो सब जैसे लोग नहीं मिलते, योग्यता किसी में कम हो किसी में ज्यादा हुई। नहीं भैया नहीं समझ में नहीं आ पा रही आपकी बात।
मतलब आरपी सिंह भैया, दिलसाद भैया, आप लोग को समझ में आ रही क्या मेरे पास ही आवाज कम आ रही है? मेरे को समझा जी भैया, आवाज तो थोड़ी कम है, अगर एक बार वॉल्यूम रेज हो जाए थोड़ा सा। अगर भैया आपने ईयरफोन लगाए हैं तो उसको हटा के प्रयास कर सकते हैं। नहीं, ईयरफोन नहीं लगाया है। अभी ठीक है, अभी ठीक था आवाज आपका। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि योग्यता की, तो हमको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिसमें योग्यता कम है या अधिक है, सब तरह के लोग मिलेंगे। वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यूनिक है। हमारी जो अवधारणा हम जो बने हैं सब अलग अलग, हालांकि सबका ब्रॉटअप मतलब सबकी पढ़ाई लिखाई। भैया हम लोग अब इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि हम सब यूनिक हैं या हमें कुछ निश्चितता भी है, मतलब कुछ एक एक रूपता भी है, ये दोनों पे अभी बात करेंगे। जी जी जी, हाँ। अभी एक ये भी सोचना है कि सब यूनिक है, एक ये भी सोचना है कि हम सब एक जैसे हैं, है ना। अब दोनों में क्या ठीक है ठीक नहीं है, अगले सत्र पे इसी पे बात करेंगे भैया। जी, तो उसमें चर्चा का भाग भी होती है। जी राकेश जी नमस्ते। भैया नमस्ते। भैया मैं ये कह रहा था कि आप लंच के पहले जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें एक स्लाइड आपने दिखाई थी मानव का मूल्यांकन वाली, उसमें बार ग्राफ बताया था शायद आपने, मैं वो एक बार वो स्लाइड को समझना चाह रहा था। वो स्लाइड मेरी थोड़ी सी मिस हो गई थी मुझसे समझने में। इसमें सिंपल दिखाया गया है ना कि दो लोग हैं, एक आदमी की योग्यता पीले कलर से दिखाई गई है, दूसरे आदमी की योग्यता रेड कलर से दिखाई गई है, है ना। हेलो, और ब्लैक कलर में ये है कि भाई थोड़ा गैप है, है ना, मतलब हम हमको लगता है कि हम योग्य हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरे को भी लग सकता है वो योग्य है, जरूरी ना हो ऐसा हो, है ना। तो ये अलग अलग योग्यता की स्थिति है। तो हमको जैसे हमारी पीली योग्यता है तो कहीं पर हमारी किसी की योग्यता ज्यादा है दूसरे की कम है ना, और कहीं पर जो है दूसरे की योग्यता ज्यादा है हमारी कम है, कहीं उसकी ज्यादा है कहीं हमारी कम है। तो ये योग्यता का वेरिएशन को दिखाया है। तो इसमें जो तीसरी स्लाइड या चौथी स्लाइड पर तीसरे बार ग्राफ या चौथे बार ग्राफ को देख पाता हूँ जहाँ स्वयं जे और के से दिखाया गया है, तो वहाँ ये मैं समझ पा रहा स्वयं वन एक स्वयं की बात हो रही है, यहाँ दूसरे स्वयं की, यहाँ तीसरे स्वयं की। हाँ, वो मेरा लास्ट वाला स्वयं के पर जाके मैं रुकता हूँ, तो जहाँ पर मुझे लगा कि अगर मान लीजिए दोनों की योग्यताएं अपेक्षा अनुसार कम हो तो फिर वहाँ गैप बहुत ज्यादा होता है, अब बन जाता है। ऐसे में फिर हम ज्यादा गलती करते हैं मिलजुल कर, अगर इतनी बात भी ध्यान है ना तो फिर हम परेशान नहीं होते बल्कि किसी तीसरे का सहयोग ले लेते हैं, है ना। वैसे हमको लग रहा है कि हम भी नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रहे और दोनों मिलके भी नहीं कर पा रहे, तो हम दोनों फिर परेशान नहीं होते कि हमारी चाहना गलत है आपकी चाहना गलत है। हमको स्पष्ट है हम दोनों करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा मिलके, चलिए मिलकर किसी तीसरे की मदद ले लेते हैं। एक और जगह मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था भैया, एक्चुअली क्या है मैं आपकी जितनी स्लाइड्स है इसकी मैं अपने पास एक पैक रखता हूँ, उसमें मैं बार बार उसको समझने की कोशिश करता हूँ जब मेरे पास खाली समय होता है। तो एक जो बेहतरी बेतरतीब और अव्यवस्थित, तो जो कल्पनाशीलता की स्थिति जो कल भी आपने बताया था, आज सुबह भी चर्चा उस पर हुई थी, जिसपे चाहना पे शंका लिखा हुआ है सर्कल पे योग्यता की कमी के स्थान पर, वहां पर आप और पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये वाली। तो इस पे भैया मैं एक्चुअली आपसे और पूरी टीम से क्षमा चाहूंगा कि जब आपने कल भी समझाया था तब शायद मैं कुछ कारणवश मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया उसको, आज सुबह भी जब बात हो रही थी तो मैं उस समय पूजन कार्य में लगा हुआ था तो पूरी तरह सुन नहीं पाया था। इसमें मैं ये जो पांच पॉइंट आपने दिए थे इसमें मैं ये एक और दो पॉइंट को जो खाली देख पा रहा हूँ इसमें अभी भी अपने आप को फिलअप नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अभी खाली छोड़ रखा कि पहले बाकी तीन भर जाए। अच्छा अच्छा जी, तो जब किसी और बड़े वर्कशॉप में मिलेंगे तो ऊपर वाले दो को भरेंगे, तब तक आप सहज स्वीकृति को देखने का अभ्यास करते रहें, जितना आप इसमें निपुण हो जाएंगे उतना ठीक से एक और दो के बारे फिर किसी बड़े वर्कशॉप में आपसे बात हो पाएगी। अभी केवल सहज स्वीकृति के लिए ही मुझे काम करना है, ये एक और दो को तुम बाद में समझूंगा। एक्चुअली मैं क्या स्लाइड को देख रहा था तो बाद में मैंने देखा कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि खाली क्यों है, शायद आपने बताया हो उस समय मगर मैं ध्यान नहीं दे पाया सुन नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। हाँ नहीं नहीं, इससे पता तो लग गया ना कि आप सुन नहीं पाए, ये भी लाभ। थैंक यू, ठीक है, नमस्ते।